स्क्रीन विजिबल है ना सबको? गाइस स्क्रीन विजिबल है ना? विजिबल यस। ठीक है, राइट देन स्टार्ट करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि ना भी सब लोग पार्टिसिपेट करें, एंड किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, री ओरिएंटेड हो या थोड़ा मीन्स ओरिएंटेड कुछ मिले उनको, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, तो दैट इज एनवायरनमेंट। ठीक है, सो हम अगर एनवायरनमेंट को डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एनवायरनमेंट को? एनीवन? बेसिकली सराउंडिंग जिसमें लिविंग कंपोनेंट भी होगा और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होगा। इनका सुन राइट, मतलब हमारा जो सराउंडिंग है जिसके अंदर हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो लिविंग तो जितने ही ऑर्गेनिज्म हो गए वो सब, एंड एबायोटिक की बात करें तो उसमें नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि क्लाइमेट वगैरह, नेचुरल फिनोमेना एक्सेट्रा वुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये सब फिनोमेना जब आपस में तरीके से इंटरेक्शन करते हैं तो हमारा जो हैबिटेट है या जो इकोसिस्टम है वो बेसिकली फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये था एनवायरनमेंट, एंड नेक्स्ट इज हैबिटेट। तो हैबिटेट को डिफाइन करेगा जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है उसके आसपास का जो मतलब एक उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उस तरीके से हैबिटेट कहते हैं उसको। राइट, ये मतलब जहाँ पे भी कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो बेसिकली उसका हैबिटेट हो गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एक यहाँ पे ब्रीफ डिफरेंस दिया है कि हैबिटेट और एनवायरनमेंट के बीच में डिफरेंस है, क्योंकि एट टाइम्स पीपल इंटरचेंजेबली यूज बोथ ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, तो ये चीज़ पता करना है कि हैबिटेट के अंदर एक लाइफ वाला फैक्टर होता है, वाइल या एनवायरनमेंट में लाइफ जैसा फैक्टर हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ऑल हैबिटेट्स आर एनवायरनमेंट, बट ऑल एनवायरनमेंट्स आर नॉट हैबिटेट। ठीक है, तो एक माइन्यूट डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए हैबिटेट और एनवायरनमेंट के बीच में। तो ये चीज़ है, और हैबिटेट इज ऑलवेज अ प्रेफरेंस ऑफ वन स्पीशीज, बट अ एनवायरनमेंट कुड बी प्रेफरेंस ऑफ मेनी स्पीशीज। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो ऑल्दो माइन्यूट सा डिफरेंस है बट देर इज अ डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, इकोसिस्टम। तो आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म हो जाएगा हमारे लिए, तो ये कोई डिफाइन कर सकता है व्हाट इज इकोसिस्टम? कोई डिफाइन करा इकोसिस्टम क्या है? हाँ, कुछ सराउंडिंग इंटरेक्शन से कंडीशन। रिलेटेड था। इकोसिस्टम इन विच द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। या राइट, जैसे हमने एनवायरनमेंट जब बोला था तब हमने सिर्फ ये बोला था कि वहाँ पे एक बायोटिक कंपोनेंट होता है और एबायोटिक कंपोनेंट होता है, पर जब हम इकोसिस्टम बात करते हैं तो हम बात करते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन की। ठीक है, जब वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो एक हम इसको कह सकते हैं एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है नेचर का, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से भी और अपना जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उससे भी। ठीक है, सो इकोसिस्टम इस सेंस में थोड़ा सा डिफरेंट है एनवायरनमेंट से। तो ये भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम एक ही समझने लगते हैं, तो वो चीज़ भी डिफरेंट है। तो इट कुड बी ऑफ एनी साइज बट इट इनकम्पासेस स्पेसिफिक एंड लिमिटेड स्पीशीज। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो इस सेंस में ये थोड़ा डिफरेंट है कि हम कह सकते हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज ही उस इस एक्वेटिक। पे इसकी डेफिनेशन पे भी एक क्वेश्चन था शायद, कहाँ पे? पता नहीं PYQ में कुछ एक ऐसा अच्छा क्वेश्चन था वो। इकोसिस्टम रह गए, मेरे को सिर्फ खुला हुआ है तो पता नहीं इकोसिस्टम उसमें चार स्टेटमेंट थी, उसमें कुछ एक बहुत क्लोजली रिलेटेड और इकोसिस्टम था या फिर हैबिटेट था या एनवायरनमेंट था, पता नहीं इकोसिस्टम ही था शायद। 11वें क्वेश्चन पूछा गया है किसके रिगार्डिंग, इन कंटेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मरीन अपवेलिंग जोन्स आर इम्पोर्टेंट एज दे इंक्रीज। आई थिंक इसको थोड़ा बाद में देख लेंगे,
ये अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखने वाला क्वेश्चन है नहीं। बनो का बनो का ऑडियो आ रहा है क्या? हाँ, अब आ रहा है। सॉरी, ऑफ द माइक। तो ये क्वेश्चन नंबर 89 ऐसा पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो आई थिंक ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन लोग आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या कहते हैं? अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद एनवायरमेंट इन विच दे लिव, एंड लास्टली द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। तो क्या हो सकता है इसमें? सी। हाँ, लेकिन हमने बात किया ना, इंटरेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बट इन ऑप्शन ए द अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ओनली इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे आर नॉट इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट। हाँ, ये भी बात सही है। एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन के बारे में नहीं लिखा हुआ, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर ही लिखा हुआ है। तो उस सेंस में सी सीम्स टू बी द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। दिस वाज 89। तो 89 का सी आंसर सही है अपना। एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग इन द एरिया इंटरेक्टिंग विद ईच अदर अलॉन्ग विद नॉन लिविंग एनवायरमेंट वेदर सॉइल अर्थ एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ इकोसिस्टम के सिंपली डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। सो इन इकोसिस्टम बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स आर लिंक्ड थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लो। ठीक है, तो ये तो हम आगे देखेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लो कैसे होता है। सो एवरीथिंग दैट लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन अदर स्पीशीज एंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है, सो हम क्लासीफाई कर सकते हैं इकोसिस्टम को एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन के अंडर, नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड मैन मेड इकोसिस्टम। तो मैन मेड में जितना भी ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, लाइक एक्वेरियम, गार्डन या क्रॉप लैंड, फार्म लैंड एक्सेट्रा, वो सब। एंड जब नेचुरल इकोसिस्टम की बात करते हो, यहाँ पे आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हो और एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हो। फर्दर टेरेस्ट्रियल में हमारे पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। एक्वेटिक में यू हैव फ्रेश मराइन एंड ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें से आई थिंक ब्रैकिश वाटर में थोड़ा सा देखना जरूरी है, मैंग्रोव इकोसिस्टम एंड वेटलैंड या एस्टुराइन इकोसिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। सो आई थिंक ये तो सब देख लिया। अब नेक्स्ट, यहाँ पे वो डिफरेंस वाला पॉइंट दिया था कि डिफरेंस क्या है इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और हैबिटेट के बीच में। तो हमने मोर और लेस डेफिनेशन पता कर लिए सबकी, तो आई थिंक इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिज्म इन सराउंडिंग ऑकरिंग विद इन इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये एक जनरल सा डेफिनेशन है कि बेसिकली इकोलॉजी जुड़ गया, मतलब इकोलॉजी जो वर्ड है इट मीन्स स्टडी। तो बेसिकली स्टडी ऑफ इंटरेक्शन या स्टडी ऑफ इकोसिस्टम हम कह सकते हैं, इट्स कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है पी वाई क्यूज का। तो इस मटेरियल के अंदर ही आपको पी वाई क्यूज भी मिल जाएंगे। ठीक है, ऑल्दो वो ईयर वगैरह नहीं लिखा हुआ है, तो वो चीज़ देखनी हो तो आपके पास आई थिंक ये दिशा वाला मटेरियल भी है, उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर इज इकोलॉजिकल कम्युनिटी, जो कि स्टेटमेंट वन था। द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोस्फेयर। एंड थर्ड वाला जो ऑप्शन हमने सर राइट राइट किया था वो इकोसिस्टम था ही, पता ही है। एंड फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ जोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो ये हमने देखा था इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं एंड बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जहाँ पे फिर बायोटिक कंपोनेंट्स फर्दर इंटरेक्ट विद एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो व्हेन इट कम्स टू बायोटिक
आवाज आ रही है क्या? हेलो, ऑडियो आ रहा है क्या यार? हाँ अब आ रहा है। यार आज कुछ कनेक्शन में इशू था, तो आई थिंक यहाँ तक तो बायोटिक कंपोनेंट्स तक तो हो गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट्स में, तो वी हैव प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स में वी हैव ऑटोट्रॉप्स और द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है, सो ईदर दे कैन डू इट बाई प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एंड इसके अलावा कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू सम ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड? इसके अलावा भी एक और प्रोसेस है ना। उसको बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। ठीक है, सो देर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स वी डू नॉट नीड सनलाइट टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, तो वो बेसिकली कीमोसिंथेसिस का यूज करता है। तो जैसे हमने बात किया था जो ओशन बॉटम होता है वहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, सो दोज रीजन्स आर कॉल्ड बेंथिक रीजन, जहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। सो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं? दे यूज बेसिकली केमिकल रिएक्शंस टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है, सो दैट्स हाउ प्रोड्यूसर वर्क। एंड देन कंज्यूमर जो होते हैं वो दे बेसिकली कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, सो दे बेसिकली फीड ऑन प्रोड्यूसर्स। ठीक है, एंड लास्टली वी हैव डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स हु बेसिकली ईट द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। तो उनमें कंज्यूमर भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, तो उसके अंदर ये डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो देयर वी हैव फिजिकल फैक्टर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्सेट्रा। एंड देन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच इंक्लूड्स वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज भी होते हैं लाइक प्रोटीन्स, कार्बन, लिपिड। तो बेसिकली जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम बोल रहे हैं, तो दीज आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली पूरी की पूरी कार्बन के ऊपर बेस्ड है। सो ये चीज आई थिंक एक जनरल डिवीजन है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का। ठीक है, सो आई थिंक इसमें और तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। राइट, ठीक है। सो एक क्वेश्चन ये आया था, इफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव, इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। दिस इज बिकॉज, सो द ऑप्शंस वर, द सॉइल ऑफ अ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशियंट इन न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट, प्रोपेग्यूल्स ऑफ द ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट हैव पुअर वाइबिलिटीज। सी, द रेन फॉरेस्ट स्पीसीज आर स्लो ग्रोइंग। एंड लास्टली, एक्सॉटिक स्पीसीज इनवेड द फर्टाइल सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन रीजन बता सकते हो? ए कंटिन्यूअस रेन्स की वजह से ना जो मिनरल्स होते हैं वो लीचिंग की वजह से नीचे चले जाते हैं, मतलब सॉइल में। तो ग्रासेस जैसे जो छोटी चीजें होती हैं ग्रासेस, तो उनको टॉप सॉइल या सॉइल के हल्के से नीचे लेयर पे उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं तो टू ग्रो। बट ग्रासेस उगेंगी नहीं, और जब सब कुछ और ट्रीज वैसे भी नहीं उगेंगे, तो इसलिए न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाते हैं, रेन ज्यादा होती है लीचिंग की वजह से। यस राइट, तो वो लीचिंग वाला एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके वजह से जो न्यूट्रिएंट्स है वो वॉश अवे हो जाते हैं, एंड उसकी वजह से जो फर्टिलिटी लेवल जो होता है वो थोड़ा सा लो रहता है। ठीक है, एंड इसके अलावा आई थिंक ये प्रोपिगल वाला एक पॉइंट था। सो प्रोपिगल्स ऑफ द ट्री इन अ रेन फॉरेस्ट हैव पुअर वायबिलिटी। सो प्रोपिगल डिटैचेबल स्ट्रक्चर दैट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। ठीक है, तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं दे वो सीड के थ्रू रीजनरेट नहीं करते, दे रिप्रोड्यूस वाया दीज प्रोपिगल्स। मतलब अपने अपने छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकाल लेते हैं वो लीव्स पे, एंड देन वो लीफलेट्स, छोटा सा वो जो प्लांट है वो फॉल कर जाता है एंड रूट्स निकल जाते हैं उसके। ठीक है, तो मोस्टली मार्शी एरियाज में इस टाइप के जो प्लांट्स हैं ये देखने को मिलता है, या ट्रीज देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक ये लिमिटिंग फैक्टर्स है कि कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं एक एरिया का जो इकोसिस्टम है उसको। तो उसमें लाइट है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है,
ठीक है, तो कल हमने टेम्परेचर के रिगार्डिंग बात किया था कि कुछ स्पीशीज जो होते हैं जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स का एक एग्जांपल ह्यूमंस हो गया, कोल्ड ब्लडेड का रेप्टाइल्स हो गए. ठीक है, सो हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में कैपेबिलिटी होती है कि दे कैन टॉलरेट टेम्परेचर. ठीक है, जैसे इंसान हो गया तो वो इंसान जो है अपना बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं. एज सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूरीथर्मल. ठीक है, तो कई बार यूपीएससी में ऐसा भी देखा गया कि सीधा टर्म पूछ लेता है कि यूरी थर्मल क्या है, स्टेनो थर्मल क्या है, या स्टेनो थर्मल क्या अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं. तो ये वर्ड्स पता होते हैं. ठीक है, तो यूरी थर्मल ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर को वेरी कर सकता है सो एज टू टॉलरेट अकॉर्डिंग टू हिज सराउंडिंग. ठीक है, तो जैसे अगर आपने देखा हो, अगर आप कभी कोल्ड में जाओगे तो योर बॉडी स्टार्ट्स टू शिवर. वो शिवर क्यों करने लगती है, क्योंकि बॉडी जो है वो मोशन क्रिएट करके एक हीट जनरेट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए सर्दी में जाने पे शिवरिंग होती है. सो दैट्स हाउ द आर बॉडी इज ट्राइंग टू अडॉप्ट टू अ चेंज इन टेम्परेचर. बट कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे के नॉट मतलब बेसिकली टॉलरेट नहीं कर सकते कोई टेम्परेचर चेंज में, और उनका जो टेम्परेचर रेंज है काफी नैरो होता है, इनको स्टेनोथर्मल बोलते हैं. तो मोस्टली कोल्ड ब्लडेड सिमिलरली एनिमल्स में आपने हमको समर्स में स्वेटिंग होती है। राइट करेक्ट. तो स्वेटिंग क्यों होती है, क्योंकि वो पसीना निकलता है, पसीना इवेपोरेट होता है तो एक कूलिंग इफेक्ट देता है. ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए, दोनों वर्ड यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल. ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं. एटमॉस्फेयर में आई थिंक ये ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, तो हमें गैसेस के कंस्टिट्यूएंट पता होना चाहिए. सबसे बिगेस्ट कंस्टिट्यूएंट गैस है नाइट्रोजन 278% एंड 21% जो है वो ऑक्सीजन. फिर थर्ड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड आती है. ठीक है, ये ब्रॉड लेवल पे एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन है. नेक्स्ट पे चलते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने जस्ट बात किया था, विच आर एसेंशियल फॉर बेसिकली द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो उसमें ये काम आते हैं. तो इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सब है. नेक्स्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे थे, तो ये बेसिकली असेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ऑल्टीट्यूड का क्या है, उसके ऊपर एक इफेक्ट रहता है. तो हमें ज्योग्राफी में भी पढ़ा है कि ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग कैसे जो है जो वेजिटेशन है वो चेंज होती है, या बायोडाइवर्सिटी उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती है. ठीक है, सो सबसे नीचे से अगर हम स्टार्ट करें, आई थिंक ये एक लैटिट्यूडनल वेरिएशन है और ये एक ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन है. सो वाई एक्सिस इज ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन एंड योर एक्स एक्सिस इज लैटिट्यूडनल वेरिएशन. ठीक है, तो अगर हम शुरू करें तो हम लोग कहाँ से शुरू कर सकते हैं. हाँ, एवरग्रीन, ब्रॉड एवरग्रीन फॉरेस्ट है. ठीक है, 0 डिग्री के लिए लैटिट्यूड एंड वी कैन एज्यूम के नियर सी लेवल रहता है यहाँ पर. जो ऑल्टीट्यूड है मतलब सबसे लोएस्ट एल्टीट्यूड है एंड सबसे लोएस्ट लैटिट्यूड भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वेजिटेशन, अभी हमने बात किया, थिक वेजिटेशन होती है, कॉन्टिन्यूस रेनफॉल होती है. देन अगर हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस आगे जाते हैं तो फॉलोड बाई ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, देन डेजर्ट, डेजर्ट स्क्रब, चैपरल, टेम्परेट ग्रास लैंड, डेसिडियस फॉरेस्ट, मिक्स फॉरेस्ट, कॉनी फॉरेस्ट, टुंड्रा एंड आइस कैप. ठीक है, एंड अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फॉलोड बाई टेम्परेट डेसिडियस, देन नीडल फॉरेस्ट, टुंड्रा एंड अगेन आइस कैप. ठीक है, तो ये एक वेरिएशन है जो फिजिकल कैरेक्टर या एक एबायोटिक कंपोनेंट कैसे बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करता है. ठीक है, हाँ, ये तो क्वेश्चन है नेक्स्ट है. कि ये सारी रेंजेस फ्रॉम टुंड्रा टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से नेशनल पार्क में मिलती है एक इंडिया के। प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट का कौन होना चाहिए, क्या नाम डाफा है क्या? हाँ, वो अरुणाचल प्रदेश के नाम दफा ही था शायद, मुझे इतना याद आया। नाम डाफा एक और चीज के लिए फेमस है, यहाँ पे फोर लार्ज फ्लाइंग कैट्स मिलते स्क्विरल्स। हैं. हाँ, फ्लाइंग स्क्वेरल भी है, नाम डफा फ्लाइंग स्क्वेरल आई थिंक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और फोर कैट स्पीशीज भी मिलती है. फोर कैट में टाइगर मिलता है, ठीक है, लेपर्ड मिलता है, स्नो लेपर्ड है, और क्लाउडेड लेपर्ड है. तो ये भी पता होना चाहिए, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि ये फोर फेलाइन स्पीशीज कहाँ लोकेटेड है, तो ये यहाँ पे है. नेक्स्ट, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ, अ न्यूट्रल पीएच 7 इज मेंटेन्ड इन सॉइल एंड वाटर बॉडीज ड्यू टू बफरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ. न्यूट्रल पीएच इज कंड्यूसिव फॉर सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म.
ठीक है, तो पीएच फैक्टर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ज़्यादा एसिडिक होता है या ज़्यादा बेसिक होता है तो वहाँ पे भी सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट सैलिनिटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो यहाँ पे भी दो इम्पोर्टेंट टर्म है, यूरीहेलाइन एंड स्टेनोहेलाइन। ठीक है, तो ऊपर हमने देखा था यूरी थर्मल जो उनका जो टेम्परेचर रेंज है, टॉलरेंस रेंज है, वो ज़्यादा बड़ा है। सो यहाँ पे भी यूरीहेलाइन का मतलब है कि जो सैलिनिटी रेंज है उनका टॉलरेंस काफ़ी अच्छा है, एंड स्टेनोहेलाइन इनका जो सैलिनिटी रेंज है वो कम है। ठीक है, सो इस टाइप के टर्म्स पता होने चाहिए क्योंकि डायरेक्टली सवाल पूछ लेगा, एंड अगर ये टर्म का मतलब नहीं पता तो फिर सॉल्व करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑन टेरेस्ट्रियल या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो इसमें लाइट का दिखा रखा है कि लाइट के कैसे उसको हेल्प करता है। सो एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी फेवर रूट ग्रोथ देन शूट ग्रोथ विच रिजल्ट इन इंक्रीज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ज़्यादा लाइट होगी तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा पानी छोड़ते हैं प्लांट। ठीक है, ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली रिलीजिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय बाय प्लांट। ठीक है, सो दिस इज ट्रांसपिरेशन। तो अगर एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी होती है लाइट की तो ये ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। यहाँ पे शॉर्ट स्टेम, स्मॉलर एंड थिकर लीव्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड लो इंटेंसिटी रिटार्ड ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। तो व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम द प्लांट सीज टू ग्रो ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ CO2 एंड फाइनली डाई। ठीक है, तो एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि लाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो अगर वो नहीं होगा तो अल्टीमेटली प्लांट्स वुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस फूड एंड अल्टीमेटली डाई। सो ओनली अ पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम दैट इज रेड एंड ब्लू आर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जितने भी ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इसमें, दीज आर इम्पॉर्टेंट, इन सब चीज़ पे ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके अक्रॉस फोटोसिंथेसिस करने को मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप लेट्स से कोई और वेवलेंथ की लाइट ला के रख दोगे तो उससे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो रेड और ब्लू जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें रेड और ब्लू आर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस एज कम्पेयर टू द अदर। नेक्स्ट, प्लांट ग्रोन इन ब्लू लाइट आर स्मॉल, रेड लाइट रिजल्ट इन एलोंगेशन ऑफ सेल, प्लांट ग्रोन इन अल्ट्रा वायलेट एंड वायलेट लाइट आर डुऑर्फ। ठीक है, तो ये एक बेसिकली एक्सपेरिमेंट है जिसके अंडर देखा गया था कि अलग अलग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के अंदर कैसे प्लांट रिएक्ट करते हैं या कैसे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उसमें ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये वाला, कि ओनली रेड एंड ब्लू के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रॉस्ट पे। सो फ्रॉस्ट हमको पता ही है, फ्रीजिंग मतलब जब ठंड होती है तो उसमें फ्रॉस्ट देखने को मिलता है, तो बर्फ़ जम जाती है पेड़ पौधों के ऊपर हल्का हल्का। ठीक है, सो बेसिकली रिजल्ट्स इन फ्रीजिंग द सॉइल मॉइस्चर। सो प्लांट्स आर किल्ड ड्यू टू इंक्रीज ट्रांसपिरेशन एंड देयर रूट्स आर अनेबल टू सप्लाई मॉइस्चर। ठीक है, क्योंकि सॉइल का जो मॉइस्चर होता है वो पैक हो जाता है या जम जाता है, उसकी वजह से रूट्स के थ्रू वाटर सप्लाई नहीं हो पाता और प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन करता रहता है, मतलब जो लीव्स होते हैं वो पानी को छोड़ते रहते हैं। ठीक है, सो उसकी वजह से अल्टीमेटली द प्लांट्स डाई। ऑल्सो फॉरेस्ट फ्रॉस्ट लीड्स टू कैंकर फॉर्मेशन, वेरियस प्लांट्स डिजीज विच हैव सिमिलर सिस्टम एज कॉज बाई वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई एंड वायरस। ठीक है, सो जो लीव्स अगर देखे होंगे उन्हें ठंड में पौधों की ना सिकुड़ सी जाती है या ब्राउन ब्राउन उनपे साइड्स में लग जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वो लीव्स खत्म होने लगते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रॉस्ट। नेक्स्ट स्नो, तो एक्सेसिव स्नो की वजह से जो सीडलिंग्स होते हैं वो बेसिकली एक्सेसिव कोल्ड की वजह से प्रोटेक्ट रह पाते हैं कई बार, बट इट ऑल्सो रिजल्ट इन अगेन मॉइस्चर कंटेंट जो होता है उसको पैक कर देता है, सो वेजिटेटिव ग्रोथ को कहीं ना कहीं शॉर्टन करता है। ठीक है, तो स्नो का एक एक ये इम्पैक्ट रहता है ऑन बायोटिक कंपोनेंट्स या प्लांट। नेक्स्ट हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ प्लांट ड्यू टू कॉगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन। सम बैक्टीरियाज कैन सर्वाइव हाई टेम्परेचर बिकॉज ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन दैट डू नॉट कॉगुलेट एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनमें वो प्रोटीन जो है वो कॉगुलेट हो जाता है, तो इट रिजल्ट इन डेथ ऑफ सच प्लांट। देन हाई टेम्परेचर डिस्टर्ब द बैलेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ऑल्सो रिजल्ट इन डेसिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज एंड डिप्लीशन ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, तो मॉइस्चर खत्म कर देता है तो
in that sense, they are detriment. High temperature is detrimental to the plants. Next, die back. So it refers to progressive dying, usually backwards from the tip of any portion of the plant. This is an adaptive mechanism to avoid adverse condition like drought. It is a mechanism the root remains alive for years, but the shoot dies. ठीक है, तो ऐसा फिनोमेना में साल रेड सैंड सिल्क कॉटन ट्री में देखने को मिलता है. तो बेसिकली इसके अंदर जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, लाइक ड्रॉट हो गया या और कोई वाटर स्ट्रेस कंडीशन होती है, सो प्लांट क्या करता है, अपने जो शूट्स होते हैं या जो आउटर जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं प्लांट के, उनको ख़त्म कर देता है ताकि जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम हो सके. ठीक है, तो इन दैट सेंस इट प्रोटेक्ट्स द रूट. तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगे वो रूट्स फिर से शूट्स उगा लेंगी. सो दैट्स हाउ डाईबैक इज अ फिनोमेना इन प्लांट. ठीक है, नेक्स्ट बायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं. तो हमने यहाँ पे देखा प्राइमरी प्रोड्यूसर विच मोस्टली इंक्लूड्स प्लांट्स, बट इसके अलावा भी इसमें कुछ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है विच आर काइंड ऑफ ऑटोट्रॉप. सो सर्टेन बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, दैट कैरी फोटोसिंथेसिस. तो ये चीज़ याद रखना, कई बार ना ये टर्म साइनो बैक्टीरिया नहीं देके ब्लू ग्रीन एल्गी देता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना. ये एल्गी नाम लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एल्गी है, इट्स स्टिल अ बैक्टीरिया ओनली. ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है. एंड ये लोग भी जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना जो खाना जो है वो खुद बना सकते हैं, सो कंसिडर्ड एज ऑटोट्रॉप्स. नेक्स्ट, इन एक्वेटिक सिस्टम माइक्रोस्कोपिक एल्गी कॉल्ड प्लैंकटन्स या फाइटो प्लैंकटन्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं मराइन फूड चेन देखते हैं, तो प्लैंकटन्स जो है, ये जो फाइटो प्लैंकटन्स है, दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट फूड चेन, क्योंकि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है एक्वेटिक फूड चेन में वो ये प्लैंकटन्स ही हैं. ठीक है, इन्हीं के ऊपर फिशेस फीड करती है एंड बाकी जो फूड चेन है फिर इन्हीं के दम पर चलती है. नेक्स्ट, कंज्यूमर हिटरोट्रॉप्स एंड फैगोट्रॉप्स. तो कंज्यूमर्स हमें पता ही है, दे आर इनकैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड, सो बेसिकली दे फीड ऑन ऑटोट्रॉप्स. सो कंज्यूमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, मैक्रो माइक्रो. मैक्रो के अंदर वी हैव हर्बीवोर्स विच आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर्स के अंदर फर्दर लेवल है. तो सबसे पहला जो कंज्यूमर के लेवल है वो प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर्स हैं, जो कि बेसिकली प्लांट्स को प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, followed by secondary consumer who in turn feed on primary consumer, wolf, dog, snake, etc. And then carnivores. Carnivores is basically they feed on other animals. Yeah, primary and secondary consumers. So in, that's why they are called tertiary consumers. इस पे भी एक क्वेश्चन था ना 2021 में कुछ वो decomposers के ऊपर था कुछ क्वेश्चन, शायद याद नहीं आ रहा. आई थिंक वो यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि ये 21 वाला नहीं अपडेट है उसमें. तो एक बार कोई देख के बता देना क्या क्वेश्चन है इस चीज के ऊपर. ठीक है, मिले तो बता देना, अदरवाइज आगे चलते हैं. ओमनीवोर्स बेसिकली दे फीड ऑन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, तो ये पता ही है. एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्स सेप्रोट्रॉप्स, डीकम्पोजर या ऑस्मोट्रॉप्स भी कहते हैं. तो दीज इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंगी. तो मशरूम एक एग्जांपल है फंगी के अंदर, विच ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डेट्राइटस. ठीक है, तो जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके ऊपर ये बैक्टीरिया फंगाई फीड करते हैं. इसके अलावा अर्थवॉर्म एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड नेमाटोड्स एंड ऑर्थोपोड आर डेट्राइटस फीडर. आई थिंक अर्थवॉर्म पे शायद क्वेश्चन था ना. एक मशरूम पे भी कुछ एक स्टेटमेंट थी कि मशरूम कैन ग्रो ऑन सॉइल या मतलब कुछ ऐसा था. हाँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन तो था. तो राइट, तो ये पता होना चाहिए. भी तो बड़े अजीब से क्वेश्चंस बायो से, एक दो क्वेश्चंस थे जो काफी वियर्ड थे. हाँ, मतलब ये नेमाटोड्स ऑर्थोपोड्स ये बेसिकली क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है बायो का, उसके अंदर एनिमल किंगडम का चैप्टर है, तो वहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है. ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, अगर आप वो एनिमल किंगडम वाला थोड़ा सा टफ लग सकता है इनिशियली, बट एक बार समझ में आ जाएगा तो आई थिंक बहुत आसान चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि नेमाटोड्स क्या है, ऑर्थोपोड्स क्या है, क्या उनके फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है, सो अर्थवॉर्म और ये सर्टेन ऑर्गेनिज्म.
जो क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोर्स, फर्स्ट अर्थवर्म, सेकंड जेलीफिश, थर्ड मिलीपीड्स, फोर्थ सी हॉर्सेस एंड फाइव वुड लाइस। ये वाला क्वेश्चन है और ऑप्शंस हैं फिर 1, 2 और वट एवर। तो इसमें आंसर है सी, विच इज अर्थवर्म, देन इज मिलीपीड्स एंड इज वुड लाइस। ये क्वेश्चन में ना ये था कि ये हमें ये तो अर्थवॉर्म्स के बारे में तो पता ही होता है सबको, बट दूसरे ऑप्शंस थोड़े ट्रिकी थे कि कौन सा है या कौन सा नहीं। हाँ, मिलीपीड और उनके बारे में थोड़ा सा नहीं पता होता। राइट, ठीक है। तो आई थिंक नेशनल ज्योग्राफी देखने से थोड़ा हेल्प होता है यहाँ पे, बाकी तो ऐसा कोई उसमें तुक्का नहीं लगा हाँ सकते, नहीं पता था। बाकी हाँ, अर्थवॉर्म्स के थ्रू आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे जरूर पहुंच जाते हैं। शिवानी, अगर आप देख रहे हो ना क्वेश्चन, तो एक वो क्वेश्चन मशरूम वाला तो क्वेश्चन मशरूम भी वाला देखना है। क्वेश्चन। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सर्फेस विदाउट सॉइल, फर्स्ट फर्न, सेकेंड लाइकन, थर्ड मॉस एंड फोर्थ इज मशरूम। सो द आंसर इज डी, विच इज फर्न, मॉस एंड मशरूम। तो लाइकन नहीं है इसमें। ये कौन से टॉपिक का होगा क्वेश्चन? ये भी आई थिंक इसी टॉपिक में आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लाइकन वगैरह जो है वो इसी पार्ट में इंक्लूड होते हैं। बाकी ऐसे एक्सक्लूसिवली कोई आई थिंक टॉपिक नहीं यहाँ पे ही आता हो। लाइकन के बारे में हम पढ़ते हैं कि सिम्बायोटिक रिलेशन में होता है, यहाँ पे फंगी और एल्गी जो है साथ मिलके काम करते हैं एक सिम्बायोटिक रिलेशन में। तो आई थिंक एक तो वहाँ पढ़ते हैं जहाँ पे हम इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, बाकी एज सच के ये कहाँ ग्रो होता है ऐसा कुछ नहीं पढ़ता है। लाइकन का एक पोल्यूशन टेस्ट भी होता है, वो क्या बोला? लाइकन जो होता है उसका एक पोल्यूशन टेस्ट भी होता है कि अगर वो मतलब डिक्रीज कर रहा है तो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है इस तरीके से। हाँ करेक्ट। तो बेसिकली इंडिकेटर इंडिकेटर स्पीशीज स्पीशीज होती है, हाँ, इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर स्पीशीज राइट। जहाँ पे भी पोल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकन नहीं होगा, तो वो एक इंडिकेटर होता है कि अगर है तो वो एक प्रिस्टीन एनवायरनमेंट है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो थोड़ा सा है ना, आई थिंक इस बार के जो क्वेश्चन थे उनको देख के ऐसा लग रहा था थोड़ा सा, मतलब एक होता है ना कि सिर्फ किताब से पढ़ के नहीं आ सकता, थोड़ा बहुत आपको और एक्स्ट्रा चाहिए होता है उसके लिए, जानने के लिए। मतलब ना मैंने जितना देखा एनसीईआरटी के भी चैप्टर्स देखे थे उसके बाद, पेपर होने के बाद, तो उसमें ना एग्जांपल्स मिसिंग थे। मतलब उनमें अर्थवर्म का एग्जांपल तो था बट ये सारे एग्जांपल्स नहीं थे दूसरे, तो मतलब हमें कंप्लीट आंसर नहीं मिल पा रहा था एनसीईआरटी में, तो कुछ और ही कोई कहीं से पूरा इन्होंने अच्छे से बनाया था। हाँ, ये बात तो है, बट ठीक है, क्या करते हैं, बेसिक्स तो अपने को कवर करने पड़ेंगे, बाकी आई थिंक सब पता लग जाएगा ये चीज़। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो इकोलॉजी प्रिंसिपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस, तो आई थिंक अभी जस्ट डिस्कस ही किया कि इकोलॉजी क्या है। तो इट्स बेसिकली द स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम और बेसिकली द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद वन अनदर एंड देयर सराउंडिंग। ठीक है, दिस इज इकोलॉजी। एंड नेक्स्ट अगर हम चले, लेवल्स क्या है इसके अंदर, तो इकोलॉजी इनकम्पासेस एक हायरार्की है इकोलॉजी के अंदर, विच बिगिन विद एन इंडिविजुअल फॉलोड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये जो पूरा हायरार्की है ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा ऊपर आता कौन सा नीचे आता, तो ये आई थिंक इसने बहुत ही ब्रॉड लेवल से कर रखा है। बट हमें एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म से चालू करना है कि ऑर्गेनिज्म एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। ठीक है, मतलब वो अपना एक एग्जिस्टेंस क्रिएट करता है, विच इज फॉलोड बाय पॉपुलेशन, जहाँ पे उसके जैसे और लोग होते हैं, फॉलोड बाय कम्युनिटी, कम्युनिटीज एंड देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड एंड देयर इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, फॉलोड बाय बायोम्स एंड देन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बाकी वो अर्थ, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स काम करनी है अपने। तो एक बार देख लेते हैं ये इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या है इसके अंदर। सो इंडिविजुअल एंड स्पीशीज एंड ऑर्गेनिज्म
इज बेसिकली एन इंडिविजुअल बींग दैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ठीक है. और स्पीशीज जो है, इंडिविजुअल और स्पीशीज में एक डिफरेंस है. स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स और इंटरब्रीडिंग, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बेसिकली स्पीशीज का एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है, ठीक है. जैसे हम बोलते हैं कि कैट फैमिली है तो उसके अंदर लायंस भी आते हैं, टाइगर्स भी आते हैं, बट वो स्पीशीज डिफरेंट है. टाइगर एक डिफरेंट स्पीशीज है, लायन एक डिफरेंट स्पीशीज है. उनका एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कि वो एक दूसरे जैसे दिखते भी नहीं है और वो आपस में एक दूसरे से जीन्स भी एक्सचेंज नहीं कर सकते. जीन्स एक्सचेंज करने का मतलब ये है कि वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, ठीक है. जो स्पीशीज होती है वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पीशीज के बारे में. एंड दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी बेसिकली क्लासिफिकेशन होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का, तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी. नेक्स्ट पे चलते हैं. तो फिर से वो डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ काम करें. द पॉपुलेशन इज कम्युनिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी सेम स्पीसीज के जब लोग एक साथ रह रहे हैं तो वी कॉल दैट एज पॉपुलेशन. एंड जो कि एक डिफाइंड एरिया के अंदर रह रहे हैं तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं. तो पॉपुलेशन जैसे पता ही हमको पॉजिटिव ग्रोथ रेट भी हो सकता है, नेगेटिव ग्रोथ रेट भी हो सकता है. सो पॉजिटिव हो सकता है जब या तो बर्थ हो रहा है या इमिग्रेशन हो रहा है, मतलब और मेम्बर्स आ रहे हैं, या फिर नेगेटिव हो रहा है बिकॉज ऑफ डेथ, या फिर आउट माइग्रेशन हो रहा है वहाँ से, ठीक है. सो आई थिंक यहाँ पे ये टाइगर्स के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे उनके पग मार्क से उनका इंफॉर्मेशन पता चलता है. तो आई थिंक एज सच ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट टाइगर पॉपुलेशन सेंसस जो होता है उसके अंदर क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. जैसे हमने रिसेंटली एक आर्टिकल आया था लास्ट ईयर कि पगमार्क मेथड यूज होता था पहले सेंसस में, तो वो काफी उसमें नेगेटिव थे कि वो ढंग से मतलब नहीं हो पा रहा है उससे काउंट अच्छे से. तो अब दूसरी टेक्नोलॉजीज और मतलब यूज हो रही है. बायोमेट्रिक भी आया है. बायोमेट्रिक एक पगमार्क साइंस करके भी क्वेश्चन था ना. हाँ, उसमें बायोमेट्रिक का भी दे रखा था. तो इंक्लूडिंग जैसे फोटोग्राफिक इमेजेस भी वो यूज करते हैं, कैट्स करके कैमरा ट्रैप्स बोलते हैं उनको, तो वो भी यूज करते हैं. तो ये सब चीजें जो है आई थिंक वो उनके बारे में भी थोड़ा इन्फो होना चाहिए कि कैसे जो कन्वेंशनल जो आइडेंटिफाइंग या पॉपुलेशन सेंसिस की टेक्निक थी वो कैसे इतना इफेक्टिव नहीं है, एंड क्या क्या नए उसमें एडवांसमेंट आए, ठीक है. इनफैक्ट कोई था ना टाइगर रिजर्व जिसमें टाइगर्स नहीं थे, एक दो थे शायद. हाँ, दो थे. एक तो आई थिंक झारखंड में था एंड एक मिजोरम में था, डम्फा टाइगर रिजर्व. डम्फा एंड झारखंड वाला का मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, तो किसी को याद है तो डाल देना. तो आई थिंक ये दो जगह थे जहाँ पे जीरो टाइगर थे. इनफैक्ट मिजोरम वाले में तो अभी रिसेंटली न्यूज रिपोर्ट भी आई थी कि एक टाइगर देखने को मिला है, तो बहुत कई सालों के बाद ऐसा पहली बार हुआ था, तो वो चीज देखने वाला. तो ऐसे ऐसे जो टाइगर रिजर्व हैं उनके बारे में सीधा क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में. तो पलमाऊ टाइगर रिजर्व है शायद झारखंड में. हाँ राइट, पलमाऊ करेक्ट. पलमाऊ टाइगर रिजर्व, यहाँ पे एक भी टाइगर नहीं था. मिजोरम में डाम्फा था, तो डाम्फा के बारे में न्यूज आई थी. अब वो सही है कि नहीं है, मतलब कोई अथॉरिटी की तरफ से तो बाद में न्यूज नहीं आई, बट एक न्यूज रिपोर्ट थी कि डाम्फा में देखने को मिला है, ठीक है. तो अभी तो यही मान के चलते हैं. इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि सेक्स ऑफ टाइगर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्रॉम पग मार्क्स. हाँ राइट. इनफैक्ट आई थिंक 2020 वाला क्वेश्चन था ना, तो उसमें हाथी के ऊपर एलिफेंट के ऊपर क्वेश्चन था. हाँ, एलिफेंट के ऊपर अजीब से क्वेश्चन थे, तो आई थिंक इस टाइप की इंफॉर्मेशन पढ़ने से वो वाले क्वेश्चन थोड़े आंसर हो सकते हैं, ठीक है. ये जैसे फोर कैट्स हो गई और एलिफेंट, मतलब फोर कैट्स के बारे में तो बहुत अच्छे से पता ही होना चाहिए. राइट, तो करेक्ट. ऑलराइट, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं. कम्युनिटी. तो कम्युनिटी इन मोस्ट इंस्टेंसेस आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म. For example, a grassland community is dominated by grasses, though it contains herbs and trees. ठीक है. तो basically
एक डोमिनेंट जो भी स्पीशीज है वहाँ पे उसके नाम से वो कम्युनिटी जाना जाता है. तो मेजर कम्युनिटीज दे आर लार्ज साइज, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, दे ओनली डिपेंड ऑन सन एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड लाइक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. माइनॉरिटी माइनॉर कम्युनिटीज दे आर डिपेंडेंट ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज एंड आर ऑफन कॉल्ड सोसाइटी. सो दे आर सेकेंडरी एग्रीगेशन विद मेजर कम्युनिटी, अ मैट ऑफ लाइकन ऑन काउडंग. ठीक है, तो लाइकन जो है अपने आप में कई बार एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो काउडंग के जो ऊपर है उसके ऊपर मिलता है. ठीक है, तो उस तरीके से काम करता है. ठीक है, तो ये कम्युनिटीज है. नेक्स्ट पे चलते हैं. तो इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम हमने पढ़ ही लिया कि एबायोटिक एंड बायोटिक जो है आपस में अपने एनवायरनमेंट के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इकोनॉमिक इकोलॉजिकल नीश. सो नीश इज रिफर्स टू अ यूनिक फंक्शनल रोल एंड पोजिशन ऑफ अ स्पीशीज इन इट्स हैबिटेट और इकोसिस्टम. ठीक है, कोई भी एक एक ऑर्गेनिज्म या एक स्पीशीज अपना क्या रोल प्ले करता है एक एनवायरनमेंट के अंदर या इकोसिस्टम में, उसको उसका इकोलॉजिकल नीश बोलते हैं. ठीक है, सो द फंक्शन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीशीज इन इट्स हैबिटेट इज रेफर्ड टू एज नीश इन अ कॉमन हैबिटेट. सो इन नेचर मैनी स्पीशीज ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. फर्स्ट इज हैबिटेट नीश वेर इट लीव्स एंड फूड नीश वॉट इट ईट्स डिकम्पोज और डिकम्पोजर्स एंड वॉट स्पीसीज इट कम्पीट विद. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव नीश हाउ एंड वेन इट रिप्रोड्यूस एंड लास्टली फिजिकल एंड केमिकल नीश टेम्परेचर लैंड शेप लैंड स्लोप ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा. सो नीश प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. इफ यू हैव टू कंजर्व अ स्पीसीज इन द नेटिव हैबिटेट वी शुड नो अबाउट द नीश रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पीसीज. ठीक है, तो जैसे लायन का कंजर्वेशन करना है हमें, ठीक है, तो उसका जो ये जो इकोलॉजिकल नीश है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए. तो पहला ये चीज़ है क्या रोल प्ले करता है लायन इकोसिस्टम में. तो इकोसिस्टम के अंदर वो एक टॉप का प्रेडेटर है, ठीक है, या एक कीस्टोन स्पीशीज है. तो अगर लायन नहीं होगा तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस खत्म हो जाएगा. तो उसका जो रोल है इट इज मेंटेनिंग बैलेंस इन द एंटायर इकोसिस्टम. ठीक है, तो वो उसका एक फंक्शनल रोल हो गया. तो दिस इज द इकोलॉजिकल नीश ऑफ अ लायन. ठीक है, तो उसका कंजर्वेशन करना है तो हमें पूरा उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में और उसके एब्सेंस से कितना ज्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो सकता है एंड उसी के अकॉर्डिंग हम उस स्केल का कंजर्वेशन एफर्ट लॉन्च करें. राइट, कोई कुछ कह रहा था क्या? राइट, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. तो ये डायग्राम यहाँ पे दे हुआ है, अलग अलग ये बर्ड के वॉबलर है. ठीक है, इनफैक्ट इंडिया में एक न्यूज़ भी आया था कि वुड वॉबलर का पहली बार देखने को मिला था, ऑल्दो वो लीस्ट कंसर्न स्पीशीज है बट ये बर्ड देखने को मिला था. ठीक है, तो ये वॉबलर एक कॉमन सा बर्ड है जो कि इसमें दिखा रखा है कि इसके जो अलग अलग स्पीशीज है वो अलग अलग लेवल पे कैसे एक रोल प्ले करते हैं या एक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये इनका एक फंक्शनल नीश है. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन नीश एंड हैबिटेट. सो हैबिटेट इज ऑफ अ स्पीसीज लाइक इट्स एड्रेस कि वो एक्चुअली वे रहता क्या है, और नीश इज उसका लाइफस्टाइल कैसा है कि मतलब वो रहता कैसे है. ठीक है, एक हैबिटेट तो ये होगा कि वो रहता कहाँ है एंड नीश इज कि वो रहता कैसे है. ठीक है, तो एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस ये है इन दोनों के बीच में. सो नीश इज अ यूनिक फॉर स्पीशीज वाइल मैनी स्पीशीज शेयर द सेम हैबिटेट. ठीक है, जैसे ऊपर हमने देखा, हम ये बोल सकते हैं कि ये तीनों बर्ड जो वो एक ही उसके अंदर रहती है, एक ही ट्री में रहती है, लेकिन अगर हम बात करें उनकी मतलब ईटिंग हैबिटेट हैबिट, सेम है. हाँ हैबिटेट सेम है, लेकिन अगर मैं बात करूँ जैसे उनकी ईटिंग हैबिट की, तो हो सकता है इनमें से एक वेजिटेरियन हो, केवल फूल पत्ती या जो नेक्टर है फ्लावर्स का वो खाती हो, वही एक हो सकता है प्लांट के ऊपर जो चलने वाले कीड़े मकोड़े हैं उनको खाती हो. ठीक है, तो दैट्स हाउ उनका जो रोल है इकोसिस्टम में वो डिफर कर रहा है. ठीक है, इवन दो दे ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट. सो नो टू स्पीशीज इन अ हैबिटेट कैन हैव द सेम नीश. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा स्टेटमेंट हो सकता है ऐसा करके. तो ये चीज़ याद रखना कि नो टू स्पीशीज इन द हैबिटेट कैन हैव सेम नीश, बट इसका वाइस वर्सा ट्रू है. मतलब दो स्पीशीज का हैबिटेट सेम हो सकता है बट नीश सेम नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज बिकॉज द कॉम्पिटिशन विद वन अनदर अंटिल वन इज डिसप्लेस. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर सपोज इन केस किसी का नीश भी सेम है कि दो बर्ड्स मिल गई और दोनों बर्ड्स जो है वो इस ट्री पर भी रह रही हैं और खा भी वो फ्लावर्स को रही हैं. ठीक है,
सो एक पॉइंट के बाद वो एक दूसरे को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपटीशन की वजह से जो रिसोर्सेज है उनका शॉर्टफॉल होने लगेगा. सो अल्टीमेटली एक एक ब्रॉड व्यू में हम कह सकते हैं कि नो टू स्पीशीज इन हैबिटेट कैन हैव सेम नीड. ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ये पूछा गया, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी. तो ये तो आई थिंक बहुत ब्रॉडली हमने डिस्कस कर लिया, इकोलॉजिकल नीश है ये. नेक्स्ट पे चलते बायोम. सो बायोम इज अ लार्ज एंड नेचुरली ऑकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑक्यूपाइंग अ मेजर हैबिटेट. तो एग्जाम्पल इसका रेन फॉरेस्ट या टुंड्रा बायोम. प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ बायोम हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू सिमिलर क्लाइमेट एंड कैन बी फाउंड ओवर अ रेंज ऑफ कॉन्टिनेंट. ठीक है, सो ब्रॉडली इसमें पॉइंट क्या है कि एक कम्युनिटी है फ्लोरा एंड फौना का जो कि एक मेजर हैबिटेट को ऑक्यूपाई करते हैं, एंड ये जो ऑक्यूपेशन हो रहा है इन फ्लोरा एंड फौनास का, इनके अंदर एक एक सिग्निफिकेंट एबायोटिक कैरेक्टर है जो हेल्प कर रहा है, ये फैक्टर है, दैट इज क्लाइमेट. मतलब वो जो पूरा जो कम्युनिटी है वो एक टाइप के क्लाइमेट के अंदर रह रहा होगा. सो दीज कैन बी फाउंड ओवर अ रेंज ऑफ कॉन्टिनेंट. ठीक है, तो बायोम्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हैबिटेट बिकॉज बायोम कैन कंप्राइज अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट. ठीक है, तो जो हैबिटेट्स है उनमें छोटे छोटे बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये डिफरेंस है. एंड बायोम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिमिलर क्लाइमेट होना चाहिए. ठीक है, उसके ऊपर वो फ्लोरा एंड फौना रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, इकोटोन. तो कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज इकोटोन? ठीक है. बेसिकली ना एक ट्रांजिशन जोन होता है, जैसे एक एलिफेंट का वो कुछ कॉरिडोर बोलते हैं, पता नहीं उसे, मैं तो उससे कंफ्यूज हो गया. मतलब इस बेसिकली ये ट्रांजिशन जोन होता है फ्रॉम टू बिटवीन टू बायोम्स, डाइवर्स इकोसिस्टम. सो हमने इसमें दे रखे हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट्स एन इकोटोन बिटवीन मेरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. सिमिलरली ग्रासलैंड्स हो गए. और अब जैसे ग्रासलैंड्स क्या हो गए, जैसे इसको तो पूरे अफ्रीका में देखा जा सकता है कि बीच में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, सेंटर में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उसके आगे गए ग्रासलैंड्स है, उसके आगे गए डेजर्ट है. तो डेजर्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बीच में ग्रासलैंड इज अ इकोटोन टाइप थिंग. बट वैसे हर उसमें ये मिलते हैं, रिवर बैंक, मार्शलैंड्स, मार्शलैंड्स ड्राई और वेट के बीच में. तो ये एक ट्रांजिशन और जोनो जंक्शन है. राइट. तो एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन डिफरेंट बायोम. तो कैक्टस से क्या होता है कि नैरो भी हो सकता है, ब्रॉड भी हो सकता है, और यहाँ पे जो कंडीशन है वो इंटरमीडिएट होती है. मतलब जो दोनों इकोसिस्टम, सॉरी, जो दोनों बायोम्स थे उनका बीच का कंडीशन होता है. ठीक है, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ जोन ऑफ टेंशन. लेकिन यहाँ पे अगर हम नम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें स्पीसीज की वजह से, तो वो एक अच्छा खासा होता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे हम एक बायोम से दूसरे बायोम की तरफ मूव करते जाते हैं, तो जो पहले बायोम में जो डोमिनेंट स्पीसीज थी वो कम होती जाती है, और जो नए वाले बायोम की जो स्पीसीज है वो इंक्रीज होती जाती है. तो वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन्स ऑर्गेनिज्म विच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एडजॉइनिंग कम्युनिटीज. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम. ठीक है, एंड उसके बीच का जो ट्रांजिशनल जोन है वो इकोटोन है. ठीक है, यहाँ पे मार्शलैंड दिया हुआ है, या हम इसको मैंग्रोव्स वाला रीजन भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीसीज है दे आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन टेरेस्ट्रियल एंड व्हाट वी हैव सीन इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम. ठीक है, तो ये चीज़ें आई थिंक काफ़ी अच्छा डायग्राम बना रखा है. इसमें बेंटिक जोन भी है जहाँ पे सनलाइट नहीं पेनिट्रेट कर रही है, एंड यूफोटिक जोन है जहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट कर पाती है. ठीक है, तो देख लेना इस डायग्राम को, डायग्राम है. नेक्स्ट पे चलते हैं. सो ग्रास लैंड इकोसिस्टम एंड डेसिडियस फॉरेस्ट एंड बीच में ग्रास लैंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम. तो डाइवर्सिटी वाला फैक्टर भी है, वो हाई रहता है इकोटोन रीजन के अंदर. तो एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, इकोटोन रीजन हैव अ फार ग्रेटर प्रोडक्टिविटी देन नेचुरल इकोसिस्टम्स लाइक फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम जो रीजन्स होते हैं, इकोटोन रीजन्स होते हैं, वहाँ पे जो बायो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी हाई होती है. ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. इनफैक्ट यूपीएससी ने ना इको
जो बायो प्रोडक्टिविटी है उस पर ही करके क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौन से रीजन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ऐसा करके एक उन्होंने ना ऑर्डर दिया था कि आप ऑर्डर में अरेंज करिए, ठीक है। तो आई थिंक आगे आ भी जाएगा वो क्वेश्चन। वो नेक्स्ट रहते अल्फा हैं, बीटा गामा भी तो कुछ करके होती है ना, डाइवर्सिटी। हाँ वो डाइवर्सिटी होती है, आई थिंक आगे आएगा डाइवर्सिटी वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इको क्लाइन। सो इको क्लाइन इज अ जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कॉन्टिन्यूस चेंज फ्रॉम वन इको सिस्टम टू अनदर वेन देर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन द टू इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज कंपोजिशन। इको क्लाइन ऑल्सो अकर्स अक्रॉस द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, ग्रेजुअल चेंज इन एबायोटिक फैक्टर्स सच एज ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर, सैलिनिटी एक्सेट्रा, ठीक है। तो इको क्लाइन जो है बेसिकली एक ग्रेजुअल और एक कॉन्टिन्यूस चेंज देखते हैं हम लोग, एक जब हम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा कोई शार्प बाउंड्रीज नहीं होती कि जैसा अभी हमने देखा कि एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है एंड देन एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, तो अगर हम एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करते हैं तो एक शार्प हमें एक चेंज देखने को मिलता है इन स्पीशीज कंपोजिशन। लेकिन इकोक्लाइन ऐसा एरिया है जहाँ पे ये जो शार्प चेंज है ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हम टेम्परेट ग्रास लैंड से होते हुए जा रहे हैं एंड हम जो है टूवर्ड्स लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो वहाँ पे हमें डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल सकता है, तो इतना ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा दोनों के बीच, ठीक है। दिस इज नोन एज इको क्लाइन। नेक्स्ट इज एज इफेक्ट या एज स्पीशीज। तो एज स्पीशीज रिफर टू चेंज इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट्स, ठीक है। जैसे इकोटोन के ऊपर आप आते हैं तो क्या हमें चेंज देखने को मिलता है कम्युनिटी के अंदर या कम्युनिटी स्ट्रक्चर में। सो समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम स्पीशीज इन इकोटोन इट्स मच ग्रेटर देन ईदर कम्युनिटी, दिस इज नोन एज एज इफेक्ट। यानी जब हम इकोसिस्टम की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि इकोसिस्टम में ना फीचर दोनों के होते हैं, दो बायोम्स के जो बीच में जो रीजन होता है जिसको हम इकोटोन बोलते हैं या ट्रांजिशन रीजन बोलते हैं, तो वहाँ पे इकोटोन में जो है दोनों बायोम्स के थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जो स्पीशीज डेंसिटी है वो हाई रहती है एज कम्पेयर टू द ईदर ऑफ द टू बायोम्स, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एज इफेक्ट। सो द ऑर्गेनिज्म विच प्राइमरी एंड मोस्ट अबॉन्डेंटली इज फाउंड इन दिस जोन इज कॉल्ड एज स्पीशीज, ठीक है। जो मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज होगा उस ट्रांजिशन जोन में उसको एज स्पीशीज बोलते हैं। सो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज इफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू बर्ड, फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ बर्ड इज ग्रेटर इन इकोटोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट एंड डेजर्ट के बीच में हम अगर ग्रास लैंड की बात कर ले तो वहाँ पे बर्ड्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट था इकोटोन का एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग एज इफेक्ट एंड अल्टीमेटली एज स्पीसीज के बारे में, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो यही थे इसके अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं, बायोस्फेयर रिजर्व। सो बायोस्फेयर रिजर्व इज अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट विच बेसिकली सपोर्ट्स लाइफ लाइफ ऑफ द अर्थ विच इंक्लूड्स लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर। तो बेसिकली इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर विच इज लैंड, एयर एंड वाटर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक लाइफ जो है वो सस्टेन हो सकती है अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली बायोस्फीयर। सो दिस इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ टुगेदर विद डेड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय देम। द बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम्स ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल, द हाइएस्ट माउंटेन एंड द डीपेस्ट ओशन, सिंस एग्जिस्टिंग हॉस्टाइल कंडीशन देयर डू नॉट सपोर्ट लाइफ, ठीक है। तो लाइफ जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बायोस्फीयर रिजर्व का, बायो मतलब ही लाइफ ही होता है, ठीक है। So occasionally spores of fungi and bacteria do not occur at a great height of 8000 meters, but they are metabolically inactive and hence represent only a dormant life. ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं जैसे हमने बोला कि एक्सट्रीम जगहों पर शायद बायोस्फीयर प्रेजेंट नहीं होता, बट कई बार देखने को मिलता है कि एक्सट्रीम हाइट्स पे जहाँ पे वाटर बिल्कुल भी नहीं है या फिर लैंड बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे ये फंगाई वगैरह फ्लोट कर रहे होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि उसको हम बायोस्फीयर बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पर वो अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो एक मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेट में है। इट्स जस्ट लाइक अ सीड, ठीक है। सीड नॉर्मली डोमेंट कंडीशन में होता है जब तक वो उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है उसमें से प्लांट निकल आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से वो फंगाई और जो बैक्टीरिया जो फ्लोट कर रहे हैं इस साइड पे, तो दे आर कंसिडर डोमेंट, ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी देख लेते हैं। सो अडेप्टेशन या दिस इज बेसिकली अपेयरेंस बिहेवियर स्ट्रक्चर ऑफ अ
लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट अलाउज टू सर्वाइव इन इट इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. ठीक है, तो कभी भी किसी नई जगह या कोई फिजिकल पैरामीटर्स में कोई चेंज होता है तो अ स्पीशीज हैज टू अडॉप्ट टू इट. अगर वो अडॉप्ट कर लेता तो इट कैन सर्वाइव, अदरवाइज इट डाइज. तो जैसे चार्ल्स डार्विन का वो जो कोट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आई थिंक उस सेंस में अडॉप्शन इज इम्पॉर्टेंट. तो जो अडॉप्ट कर सकता है दैट विल सर्वाइव, अदरवाइज इट विल डाई. सो अडॉप्शन में मॉर्फोलॉजिकल, कि उसने अपना जो है शेप चेंज कर लिया. जैसे अगर जिराफ का आपने देखा हो कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इनिशियली इट वॉज जस्ट लाइक अ डोंकी, लेकिन धीरे धीरे उसको देखा कि क्योंकि जो ग्रासलैंड्स होते हैं स्पेशली सबाना टाइप में, तो वहाँ पे या तो बहुत हल्की घास होती है और जो ग्रीनरी जो पेड़ों पे होती है वो काफ़ी ऊंचा होता है. ठीक है, सो उसको अडॉप्ट करने के लिए जिराफ ने अपना जो नेक है उसको लॉन्गर करता गया. तो एक मॉर्फोलॉजिकल अडॉप्शन है. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल अडॉप्शन, कि फिजियोलॉजिक मतलब अपना जो फिजिक है उसने उस चीज़ को चेंज कर लिया. सो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, कैंगरू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट कैन मीट ऑल इट्स रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन. मतलब अपना जो बॉडी का प्रोसीजर है उसको चेंज कर लिया उसने, कि अपने अंदर का जो फैट है उसको बर्न करके वो वाटर रिक्वायरमेंट पूरा कर लेता है. ठीक है, सो एक यूनिक एक फीचर है इसके अंदर. सो इट ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू कंसेंट्रेट इट्स यूरिन सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज टू रिमूव एक्सक्रीटा प्रोडक्ट. ठीक है, तो आई थिंक ये तो ह्यूमंस में भी होता है. इनकेस आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर का कमी है, तो इट इज बेसिकली जब यूरिन होता है उसके अंदर डार्कर कलर हो जाता है. तो इट बेसिकली शोज कि आपका बॉडी के अंदर वाटर का कमी है एंड उसकी वजह से जो आपका एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट आ रहा है बाहर वो बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेटेड आ रहा है. ठीक है, तो वो एक साइन होता है उस चीज़ का. नेक्स्ट बिहेवियर एस्पेक्ट, तो एनिमल माइग्रेटिंग टेम्परेली टू अ लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट, तो ये कुछ अडॉप्शन है जो वो कर सकते हैं. सो इसमें आई थिंक इस पे भी कई बार सवाल आ जाता है ये अडॉप्टेशन को लेके. जैसे अगर डेजर्ट्स में देखा हो तो डेजर्ट्स में हम देखते हैं जेरोफाइट्स बोलते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनको जेरोफाइट्स बोला जाता है जो कि डेजर्ट में ग्रो होते हैं. तो जेरोफाइट्स का एक फीचर क्या होता है कि उनके अंदर एक थिक क्यूटिकल होता है, लाइक लीफ के ऊपर एक बहुत मोटा सरफेस रहता है जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन जो है वो थोड़ा कम होता है. ट्रांसपिरेशन में हमने देखा था वाटर का लॉस करते हैं प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो. ठीक है, तो थिक क्यूटिकल होता है उससे जो रेस्पिरेशन होता है या ट्रांसपिरेशन जो होता है वो कम होता है. ठीक है, नेक्स्ट देयर स्टोमेटा अरेंज इन डीप पिट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस टू ट्रांसपिरेशन. तो हमें पता है लीफ के अंदर ना बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं. So, sorry, ठीक है. So, हमने ज़ेरोफाइट्स में देखा कि डेजर्ट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक तो थिक क्यूटिकल होता है और उनके जो स्टोमेटाज जो होते हैं जो कि बेसिकली पोर्स होते हैं जिनके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं, यानी CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं ना, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं. ठीक है, तो ये जो स्टोमेटाज होते हैं वो उनकी लीव्स में बहुत डीपली फिटेड होते हैं, सो एज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. ठीक है, तो ये एक अडॉप्शन होता है, अडॉप्टेशन होता है जो कि हमें डेजर्ट प्लांट्स में देखने को मिलता है. इसके अलावा उनके अंदर जो एक और अडॉप्टिव टेक्निक हम देखते हैं तो वो थ्रॉन्स देखते हैं. थ्रॉन्स मतलब जो कांटे होते हैं, तो कांटे बेसिकली वो जो लीव्स होते हैं उन पौधों की, दोज लीव बिकम पॉइंटेड और बहुत ही ऐसे नैरो हो जाती है. ठीक है, ताकि जो सरफेस एरिया वो कम हो जाए एंड जो वाटर लॉस है उसकी वजह से कम हो जाएगा. ठीक है, तो दैट्स व्हाई जो डेजर्ट प्लांट्स है उनके अंदर ये एक अडॉप्टिव फीचर है कि उनके जो लीव्स होते हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, यानी एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं. दैट इज ऑन. ठीक है, सो सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपनसिया हैव नो लीव, they have been reduced to spine. ठीक है, वही जो चीज़ बताया था. तो नेक्स्ट पे चल सकते हैं. ह्यूमन्स में भी ये चीज़ देखने को मिलती है. जैसे कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे
तो वहां पे लोगों की जो ईयर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, उनकी हाइट भी छोटे होते हैं, इसको बोलते हैं एलन टू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कभी आर्मी का रिक्रूटमेंट देखा हो या पुलिस का रिक्रूटमेंट देखा हो, तो उधर नॉर्थ ईस्ट या हिमालयन रीजन के लोगों को ना हाइट के अंदर रिलैक्सेशन होता है, तो वो इस एलन रूल की वजह से ही है, क्योंकि हाइट के ऊपर लोगों की जो सॉरी ज्यादा एल्टीट्यूड वाली जो जगहें हैं जैसे हिमालय हो गया, वहाँ पे लोगों की हाइट छोटी इसलिए होती है ताकि वो हीट लॉस जो उसको मिनिमाइज कर सके। तो इसलिए जो हिमालयन रीजन के जो लोग होते हैं या नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग होते हैं, उनको वो एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनका डिफरेंट इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उनके ऊपर उनका एक फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंज आया। ठीक है, तो उसी चीज़ को एड्रेस करते हुए गवर्नमेंट्स ने उनको, आईपीएस में भी हाँ रिलैक्सेशन हो जाता मिलता है। करेक्ट, तो वो एक एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन है जो कि ह्यूमंस ने अडॉप्ट किया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज एलन्स रूल, ये पता होना चाहिए। सो एलिफेंट का इनॉर्मस ईयर क्यों होते हैं, तो इस पे भी है, बिकॉज एलिफेंट्स डोंट स्वेट। तो एलिफेंट्स को पसीना नहीं आता, तो वो अपने जो जैसे आप पहले बताया था कि गर्मियों में पसीना क्यों आता है, क्योंकि पसीना इवेपोरेट होता है तो वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है, लेकिन एलिफेंट्स को पसीना नहीं आता, इसलिए भगवान ने उनको फ्लैपिंग ईयर्स दिए ताकि वो एकदम पंखे की तरह उन्हें चला के अपने आप को ठंडा कर सके। ठीक है, तो एक थोड़ा सा फन फैक्ट था इसमें। नेक्स्ट, अ हाइपर थर्मोफाइल इज एन ऑर्गेनिज्म विच थ्राइव्स इन एक्सट्रीमली हॉट एनवायरमेंट। तो जैसा आर्की बैक्टीरिया फ्लरिशेज इन हॉट स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ठीक है, सो इफ यू रिमेम्बर, आई थिंक इथियोपिया में एक जगह था, किसी को डिप्रेशन था, जहाँ पे बोल रहे थे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। रिसेंटली इट वाज इन न्यूज, किसी को याद है क्या? इथियोपिया में एक रीजन था। तो आई थिंक उसका नाम शायद डेनाकिल डिप्रेशन था, डेनाकिल। हाँ राइट राइट, देना तो था। हाँ, ये पहले न्यूज में था, आई थिंक साल भर के अंदर ही न्यूज में था, तो इस टाइप की चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इनफैक्ट अगर आप इमेज होगा तो इमेज देख लेते हैं, और क्लियर सा इमेज देखता। सो बेसिकली बोला जाता है कि एक तो सी सरफेस से जो है वो नीचे है, एंड यहाँ पे बहुत सारा वो एसिड वगैरह है उसकी वजह से, और टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है उसकी वजह से, कोई भी एज सच लाइफ फॉर्म यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये इसका इमेज है। तो इस टाइप के भी फैक्ट्स थोड़े से देख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ये आर्की बैक्टीरिया जो है, इट्स अ हाइपोथर्मल फाइल, इट कैन सर्वाइव इन सच हाई टेम्परेचर्स ऑल्सो, और ऑल्सो कॉल्ड यू बैक्टीरिया। सो आर्की बैक्टीरिया दैट इज एंशियंट बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया आर द लीस्ट ऑर्गेनाइज यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो एक एक क्लासिफिकेशन होता है सेल्स का ऑन बेसिस ऑफ मतलब उनको क्लासिफाई करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक। किसी को डिफरेंस पता है इनके बीच में, प्रोकैरियोट एंड यू कैरियोट? कुछ वो ठीक है, सेल तो मेम्ब्रेन या सेल वॉल टाइप वाला होता है क्या, या कुछ हाँ, और है? इनके अंदर जो बेसिकली न्यूक्लियस जो होता है यू कैरियोट्स के अंदर, वो वेल डिफाइंड होता है, यानी न्यूक्लियस का एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर पूरा का पूरा न्यूक्लियस लोकेटेड होता है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा सेल है, उसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एनिमल सेल हो गया। बट जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो वो जो न्यूक्लियस है पूरा फैला रहता है ऐसा, एकदम बिल्कुल रायते की तरह। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। अगर ह्यूमन सेल का मैं पूछूं कि ह्यूमन सेल किस कैटेगरी में आएगा, तो वो कौन सा होगा? इज ह्यूमन सेल यूकैरियोट और प्रोकैरियोट? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियो, करेक्ट, यूकैरियोटिक हाँ, यूकैरियोटिक तो होगा। होगा नहीं, यूकैरियोटिक यू। होगा। अच्छा, हाँ, यूकैरियोटिक मतलब उसके अंदर सेल सेल जो न्यूक्लियस एक है और वो, ट्रिक है कि प्रोकैरियोटिक का पी से मतलब पहले, तो ये जब वो अगर हम स्पेस उसकी बात करें, बिग बैंग थ्योरी और वो सब, तो जब सेल्स जो पहले आए थे वो प्रोकैरियोटिक थे, तो वो वेल डिफाइंड नहीं थे मतलब, और जो बाद में आए हैं एडवांस वाले जो हम हैं, तो वो यूकैरियोटिक है। करेक्ट, बहुत सही। तो या तो ये चीज थोड़ा पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी बायो की टर्म्स है, बट सीधा ये सवाल पूछ लेता है तो आई थिंक कंफ्यूजन हो जाता है। सो दे अलोंग विद साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया याद रखना ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन असल में बैक्टीरिया ही है ये।
ठीक है, तो दीज बिलोंग टू किंगडम मोनरा। तो अगर आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो एनिमल किंगडम में पहला जो किंगडम है वो मोनरा है, जिसके अंदर यूनिसेल्यूलर बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है, मतलब सिंगल सेल बैक्टीरिया जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। तो दैट इज किंगडम मोनरा, विच कंटेन लीस्ट ऑर्गेनाइज यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया इवॉल्व सेपरेटली फ्रॉम बैक्टीरिया इन ब्लू ग्रीन एनर्जी इन प्रोकैरियोटिक सेल, जेनेटिक मटीरियल इज नॉट स्टोर्ड इन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो चीज़ अभी बात कर रहे थे वही चीज़ लिखी हुई है कि प्रोकैरियोट में वो एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होते, इसलिए उनका जो न्यूक्लियस है वो पूरा फैला रहता है सेल के अंदर एकदम। ठीक है, सो आई थिंक और तो कोई सच इसमें है नहीं इम्पोर्टेंट। ये और देख लो, अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन हेल्प्स दीज ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव एंड अ लिपिड लिंक सेल्यूलर मेम्ब्रेन, अ की टू विदस्टैंडिंग हाई सॉल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग एंड एसिडिक हैबिटेट्स कॉल्ड थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, सो इवन ये जो डेनाकिल डिप्रेशन है इसमें भी बोला जाता है कि कुछ कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली एक एक जो बोलते हैं ना मिस्ट्री है कि कैसे अर्थ के ऊपर लाइफ जो है एग्जिस्ट किया, तो उस चीज को अनकवर करने में आर्की बैक्टीरियाज या ये सर्टेन काइंड ऑफ दीज सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरियाज दे कैन हेल्प इन बेसिकली अनकवरिंग दैट मिस्ट्री। ठीक है, सो कई जो ऐसे जगह है जहाँ पे हम कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, जैसे कि हेलोफाइल्स हो गया या फिर थर्मो एसिडोफाइल्स हो गया, यहाँ पे भी बैक्टीरियाज दिख जाते हैं नेक्स्ट, क्योंकि उन्होंने या तो कुछ अडॉप्शन किया ऐसा कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसा हमने ऊपर देखा एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन रहता है इनके पास। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, सो वी नीड टू ब्रीथ फास्टर व्हेन वी गो टू हाई माउंटेन्स। ठीक है, बट अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखोगे जो वहीं पे पैदा हुआ है तो उसको ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उसका बॉडी जो है वैसे एक्लमेटाइज हो गया है। ठीक है, तो हमारी बॉडी कैसे कंपनसेट करता है, मतलब ये भी आई थिंक एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही है कि हाउ आर बॉडी एक्लमेटाइज व्हेन वी गो टू हाई माउंटेन्स एंड लिव देयर फॉर लॉन्ग। ठीक है, इनिशियली हम जाते हैं तो हमको ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर लो होता है। ठीक है, एयर प्रेशर लो होता है उसकी वजह से ऑक्सीजन इतना ईजिली मिलता नहीं है, तो हमारी बॉडी क्या करती है उस कम ऑक्सीजन को कंपनसेट करने के लिए हमारी ब्रीदिंग रेट को फास्ट कर देती है कि जल्दी जल्दी हम हवा को अंदर खींचे ताकि जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमें चाहिए जो हीम क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड के अंदर ये हीमोग्लोबिन होता है एंड इस हीमोग्लोबिन से चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं। ठीक है, और फिर ये हीमोग्लोबिन एक एक गाड़ी की तरह जिसके अंदर ये चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बैठ जाते हैं और फिर ये एक एक करके हमारे बॉडी सेल्स को ड्रॉप करके आ जाता है। जैसे ही हमारे बॉडी सेल्स इससे ले लेते हैं ये चीज़, ये फिर वापस गाड़ी घुमाता है और वापस लंग्स के अंदर आके और ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो दैट्स हाउ हीमोग्लोबिन वर्क्स। एंड यहाँ पे हमारी बॉडी क्या करती है, आवर बॉडी कंपनसेट फॉर लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, क्योंकि हवा के अंदर ऑक्सीजन कम है, बार बार एयर इनटेक ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो ये हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो ये ऐसा हमारा बॉडी फिजियोलॉजिकल चेंज प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट इंक्रीजेज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, डिक्रीजेज द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट। ठीक है, सो ये एक हमारा बॉडी जो है एक फिजियोलॉजिकल चेंज में जाता है जब हम हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं। ठीक है, तो एज सच मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि इस चीज़ को पढ़ो आप, बट एक एक बेसिक चीज़ होती है ना कि हाई माउंटेन्स पे जाते हैं तो ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ जाता है, उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है ये। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें आई थिंक यूपीएससी आजकल यही कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस डायरेक्शन में आई थिंक ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और वैसे ही ना मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है मतलब हार्ट बीट और ब्रेथ को कंट्रोल करने के लिए, ताकि डाइवर्स के लिए जो डाइव उन्हें 5 से 10 मिनट या कुछ ज़्यादा करना होता है स्विमिंग उसमें टफ सिचुएशंस में, तो उसमें भी एक्सरसाइजेस करते हैं। मतलब वो एक्सरसाइज एक तरीके की हम अडेप्ट कर रहे हैं उस सराउंडिंग के लिए कि और ताकि हम मतलब ज़्यादा देर तक सांस रोक पाए। राइट, ठीक है, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। सो बिहेवियरल एस्पेक्ट में हम देखें तो डेजर्ट लिजर्ड दे लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी दैट मैमल्स हैव। अगेन जैसे हमने बात किया था यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल, तो डेजर्ट लिजर्ड या जो रेप्टाइल्स होते हैं दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेनोथर्मल, यानी दे के नॉट रेगुलेट देयर टेम्परेचर। प्लस
एक और इसमें ये फीचर है कि कोल्ड ब्लड एनिमल्स होते हैं, तो वैसे ही अपना टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट नहीं कर सकते। सो वो लोग क्या करते हैं, वो फिर भाग के कहीं या तो ओपन सन के अंदर बैठ जाएंगे जाके, या सर्दियों में अगर आपने देखा होगा तो कहीं बॉनफायर जल रही होगी तो उसके आसपास ऐसे रेप्टाइल्स इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वो हीट गेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नहीं तो वो ठंड से मर जाएंगे। तो दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन जेनेटिक मेकअप ड्यू टू एडिशन और डिलीशन ऑफ स्पेसिफिक जीन। तो इसके लिए एक और टर्म यूज होता है, इट्स कॉल्ड सुजय। वॉइस नहीं आ रही है अभी। अभी ओ संजय सॉरी आवाज नहीं आ रही सॉरी आपकी। सॉरी सॉरी कहाँ तक हो गया था, डेजर्ट हाँ, लिजर्ड तक हो वेरिएशन गया था। डेवलपमेंट और म्यूटेशन का बता रहे थे। अच्छा ओके। तो हाँ वेरिएशन जो है जेनेटिक मेकअप में अगर आ जाता तो उसकी वजह से, क्योंकि वो आता किस वजह से, कोई जीन डिलीट हो जाता है या ऐड हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। सो इनफैक्ट अगर जैसे हम कोविड-19 की बात करें, ठीक है, तो कोविड-19 में हम देख रहे हैं बहुत सारे वेरिएंट आए, ओमेगा डेल्टा फलाना ढिंगाना, तो वो सब आते क्यों है, क्योंकि जब ये डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है, डीएनए आरएनए में बदलता है, या आरएनए तो ये अपने आप में जब रेप्लिकेट होता है तो कभी कभी रेप्लिकेशन प्रोसेस में कोई एरर आ जाता है, ठीक है, जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन करप्ट हो जाती है, उसी सेंस में डीएनए में भी कोई ऐसा करप्शन आ जाता है जिसकी वजह से कोई नया एडिशन या डिलीशन हो जाता है, तो उसके वजह से एक नया वेरिएंट बन जाता है। तो ये जो ओमेगा डेल्टा और ये सब बन रहे हैं वो, या जो ओमिक्रॉन अभी रिसेंटली आया, तो वो इस एडिशन डिलीशन का ही नतीजा है, तो उससे वो कभी स्ट्रांग भी हो जाता है कभी वीक भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है, तो बेसिकली अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हमारे जो फीचर्स हैं जैसे अडॉप्ट होते हैं, तो उसको वो हम बोलते हैं अडॉप्टिव रेडिएशन। तो अडॉप्टिव रेडिएशन में ये चार्ल्स डार्विन का एक एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे उन्होंने गैलपैगोस आइलैंड में वो लोग गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे वो फिंच बर्ड का एक स्पीशीज देखा था, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि इस आइलैंड के ऊपर ये जो फिंच स्पीशीज से की ही स्पीशीज के अंदर सब स्पीशीज बन गई, और ये बर्ड्स की जो बीक थी ये डिफरेंट थी, तो कुछ बर्ड की बीक जो थी काफी नैरो थी, तो वो बेसिकली जो फ्लावर्स है उनमें से नेक्टर खाने के लिए अडाप्ट हो गई, कईयों की बीक बड़ी हो गई स्ट्रांग हो गई ताकि वो नट्स को तोड़ सके, कुछ की ऐसी बीक हो गई ताकि वो इजीली फ्लाइज को कैप्चर कर सके, ठीक है। तो ये एक अडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल था जो उन्होंने नोटिस किया। सो अडाप्टिव रेडिएशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिफाई फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्पीशीज इन द मल्टीट्यूड ऑफ न्यू फॉर्म्स व्हेन एनवायरनमेंट क्रिएट्स न्यू चेंजेस और चैलेंजेस, ठीक है, तो उससे अपने एक नए एनवायरमेंटल नीश इकट्ठे खुल जाते हैं। तो जैसे अभी ऊपर एग्जाम्पल बताया कि एक फिंच स्पीशीज थी, ठीक है, इसकी बर्ड्स के फिर फर्दर डिविजन हो गए, मतलब एक फर्दर चेंजेस देखने को मिले, फिर कुछ जो बर्ड्स थे उनकी बीक ऐसी डेवलप हो गई कि वो फ्लावर्स खा पा रही थी, कुछ की भी कैसे डेवलप हो गई कि वो नट्स खा पा रही थी उनका हार्ड शेल तोड़ के, और कुछ की ऐसी बीक डेवलप हो गई कि वो लोग जो है इंसेक्ट को इजीली कैप्चर कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये अडाप्टिव रेडिएशन होता है, और इस अडाप्टिव रेडिएशन की वजह से उनका इकोलॉजी जो इन्वायरमेंटल नीश है या जो इकोलॉजिकल नीश है वो चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि तो अब उनका एनवायरमेंट में या इकोसिस्टम में रोल भी चेंज हो गया, ठीक है। तो ये चीज पता होने से नेक्स्ट स्पीशिएशन, तो स्पीशीज स्पीसिएशन इज द प्रोसेस बाई विच अ न्यू स्पीशीज आर फॉर्म एंड इवोल्यूशन इज द मैकेनिज्म बाई विच स्पीशीज इज ब्रॉट आउट, ठीक है। तो स्पीसिएशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर नई स्पीशीज बनती है, एंड इट इज प्रॉबली बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, जैसे ऊपर हमने पढ़ा म्यूटेशन की वजह से हो सकता है कि जीन में कोई चेंज आ गया, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कोई चेंज आ गया जिसकी वजह से उन स्पीशीज ने अडॉप्ट किया उस चेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो मल्टीट्यूड मल्टीट्यूडनल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच थिंग। तो जोग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू स्पीसिएशन, ठीक है, एक एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है,
एलोट्रॉपिक स्पीशिएशन एंड एलो एलोपैट्रिक स्पीशिएशन एंड जियोग्राफिक स्पीशिएशन, ठीक है। तो जैसा अगर यहाँ पे सैलामेंडर का एग्जांपल दिया हुआ है, आई थिंक सैलामेंडर साल भर पहले भी कुछ न्यूज में था, आई एम नॉट श्योर किस रीजन से था, बट अगर आप देखोगे जैसे ऑस्ट्रेलिया था पहले, वो इंडियन प्लेट का ही पार्ट था, बट जैसे ही ऑस्ट्रेलिया जो है सेपरेट हो गया और इतना दूर चला गया, मतलब इंडियन ओशन और इंडियन प्लेट में, तो आप देख रहे हो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्पीसीज डेवलप हो गई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि और कहीं देखने को नहीं मिलती। तो लेट्स से कैंगरू एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, कैंगरू जैसा स्पीसीज और कहीं देखने को मिल नहीं मिलता, ठीक है। तो उसने ऐसा एक अडॉप्शन किया कि वो जो बच्चा है वो अपने मदर के पाउच में रह रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि पहले तो स्पीशीज सब जगह सेम ही थी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भी सेम थी, लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया दूर चला गया तो एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया और अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ चेंजेस आए जो कि और कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इस वजह से ज्योग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू स्पीशिएशन, और स्पीशिएशन का मतलब क्या होता है कि नया स्पीशीज फॉर्म हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर एन एक्सटेंडेड पीरियड सब पॉपुलेशन बिकेम वेरी डिफरेंट एंड गेट आइसोलेटेड एंड रिप्रोडक्टिवली दैट इज नो लॉन्गर इंटरप्रेट, ठीक है। तो ये स्पीशिएशन से एक नया स्पीशीज बन गया, ठीक है। एंड हमने पढ़ा है कि स्पीशीज तब कहते हैं हम कि दो ऑर्गेनिज्म एक सेम स्पीशीज के, जब वो आपस में इंटरब्रीड कर सके, ठीक है, मतलब आपस में रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया, लेकिन ये स्पीशिएशन से नया स्पीशीज बन गया तो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले ले हम, लेट्स से लायन हो गया, ठीक है, एंड टाइगर हो गया, ठीक है, ये दो अलग अलग स्पीशीज है। ऑल्दो हो सकते हैं कि शुरू में ये एक ही कैट थी और धीरे धीरे डेवलप होके अलग अलग एनवायरमेंटल एस्पेक्ट की वजह से ये एक लायन बन गया और एक टाइगर बन गया। दोनों के फीचर्स भी अलग हैं, दोनों के इकोलॉजिकल नीच में रोल भी अलग अलग है, बट आपस में दोनों इंटरब्रीड नहीं कर सकते क्योंकि एक स्पीशीज का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ऑल्दो एक लाइगर करके एक स्पीशीज आती है, बट वो इट्स वो एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, आई थिंक उसका नॉर्मल सेंस में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो नेक्स्ट म्यूटेशन, आई थिंक इसकी बात कर रही थी, नेक्स्ट आगे नहीं जाएंगे। हाँ, इसके अंदर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, ये वर्ड मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या एनीबडी वुड लाइक टू एक्सप्लेन ये मियोसिस क्या है या फिर फर्टिलाइजेशन क्या है? ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या, सैलेमेंडर का जो बता रहे थे ना, तो सैलेमेंडर 2 साल पहले वो चाइना में एक न्यू स्पेशीज उनको मिली थी और उसमें सैलेमेंडर को लार्जेस्ट एम्फीबियन ऑन अर्थ मतलब रिकॉग्नाइज किया है, तो और इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अच्छा, तो आई थिंक सैलेमेंडर के अंडर भी ना बहुत सारी सब स्पीशीज हैं, तो ऐसा सिर्फ सैलेमेंडर बोल के, हाँ हाँ थ्री है, हाँ वो उसको स्पेशली यही बोला था साउथ चाइना सैलामेंडर, मतलब इस तरीके से उसका नाम है, तो स्पेसिफिकली कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं दिया। राइट, तो वो न्यूज़ में क्यों थे गेको, क्या सॉरी सैलामेंडर न्यूज़ में क्यों थे? वो साउथ चाइना सी में वहां मिले थे, मतलब लार्जेस्ट अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लेंथ का सैलामेंडर मिला था इसमें। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक यहाँ पे तो सैलामेंडर को स्पीशिएशन के पर्सपेक्टिव से ही बताया गया कि अलग अलग जगह, पता क्या होता है ये सैलामेंडर एक बहुत यूनिक सा स्पीशीज है, कई सारी स्पीशीज हैं वो, जैसा पोकेमॉन में नहीं होता था कि थोड़े टाइम में वो अलग जगह रहता था और फिर वो इवॉल्व होकर नया पोकेमॉन बन जाता था, तो सेम चीज़ इसमें भी होती है कि ना थोड़े दिनों में सैलामेंडर किसी नई जगह में रहते हैं ना, तो बहुत इजीली उस जगह के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं और अपने आप में ऑल टुगेदर नई स्पीशीज बन जाते हैं। इनफैक्ट सैलामेंडर, स्नेक्स, लिजर्ड, मतलब ये आपस में ही एक कह सकते हैं कि एक बहुत कनेक्टिविटी है इनके बीच में, तो ऐसा हो सकता है कि वो एक प्रिमिटिव स्पीशीज था सैलामेंडर जो जगह के अकॉर्डिंग कहीं पे स्नेक बन गया, कहीं पे लिजर्ड बन गया, ठीक है, तो उसको एंसेस्टर भी माना जाता है। बेसिकली बिगर वही है, लिजर्ड ही है सैलामेंडर को। हाँ, कूल, ठीक है। सो फर्दर, इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन
एवरी जनरेशन विच इज टर्म्ड रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली जो ओवम होता है एंड जो स्पर्म होता है जब वो मिल जाता है, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है और जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, जब मिल जाता है तो वो एक चीज फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग. तो ये इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. मियोसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारा जो ये सेल्स होते हैं जाइगोट, ये फॉर्म होने के बाद डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो उस प्रोसेस को मियोसिस बोलते हैं. तो ये पता होना चाहिए. दस मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज शो वेरिएशन एंड आर नॉट आइडेंटिकल. ठीक है, सो ऑल्दो हम कहते हैं कि सेम स्पीशीज ब्रीड कर सकती है आपस में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सारे एक दूसरे की फोटोकॉपी बनेंगे. ठीक है, वो चीज़ नहीं होता. और उनमें वेरिएशन क्यों आते हैं, क्योंकि ये मियोसिस की वजह से जो सेल्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं. ठीक है, मतलब हाफ फीमेल जीन्स आते हैं और हाफ मेल जीन्स आते हैं, तो वो दोनों मिलते हैं तो थोड़े बहुत वेरिएशन इसलिए हमें दिखाई पड़ते हैं. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता और हम सिंपली कोई जीन का ऐसा मर्जर नहीं होता तो हम लोग सब एक जैसे ही दिखते. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. नेचुरल सिलेक्शन, तो ये थ्योरी जो थी ये डार्विन ने दी थी, डार्विन एंड वॉल्स ने. तो उन्होंने ये बोला था कि नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच स्पीशीज अडॉप्ट टू देयर न्यू एनवायरनमेंट. ठीक है, तो एक एवोल्यूशनरी फोर्स है जिसके अकॉर्डिंग हमारे जो बॉडी के जो जीन्स है वो अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर दोज ऑर्गेनिज्म डाई, अगर वो उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाते तो फिर वो मर जाते हैं. ठीक है, तो इसी की वजह से एक वेरिएशन भी देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये है नेचुरल सिलेक्शन जो कि डार्विन ने बोला था. एंड यहाँ पे एवोल्यूशन का लाइफ साइकिल दिया हुआ है. ठीक है, तो अभी हम करंटली होमो सेपियंस पे हैं. इससे पहले होमो इरेक्टस थे, उससे पहले होमो हैबिलिस थे. ठीक है, एंड उससे पहले आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो जानना कि क्या क्या था. एंड चलते हैं. तो ये एवोल्यूशन वाला जो कंसेप्ट है ये भी कहीं ना कहीं चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था, नहीं तो पहले ऐसा मानते थे कि ह्यूमन जो सीधा भगवान ने छोड़ा है, यहाँ पे एडम और ईव ने छोड़ा है एंड वैसे बने. बट चार्ल्स डार्विन का ये जो आइडिया था इसने एक तरीके से बताया कि हम लोग मंकीज से इवॉल्व हुए. नेक्स्ट इज एक्सटेंशन. एक्सटेंशन जो है कि वो पूरी स्पीसीज गायब हो जाती है. ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट द सिक्स मास एक्सटेंशन इज इन प्रोग्रेस. ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए. सिक्स मास एक्सटेंशन वाला स्टेज जो चल रहा है, और कहीं ना कहीं इसको एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन क्यों बोलते हैं. एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड. ठीक है, तो हम लोगों की वजह से काफ़ी सारी जो स्पीशीज है वो वाइप आउट हो रहे हैं या एक्सटेंट हो रहे हैं. तो रिसेंटली देयर वाज दिस रैट, आई थिंक बैम्बल क्रे एक्सटेंट हो गया था. बैम्बल क्रे रैट ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है. ठीक है, लास्ट आई थिंक टू इयर्स अगो दिस वाज इन न्यूज, टू एंड हाफ इयर्स. तो ये इस टाइप की स्पीशीज के बारे में पता होना चाहिए. छोटा सा रैट होता है जो कि बीचेस के अराउंड बरो बना के रहता है, तो ये एक्सटेंट हो गया था रिसेंटली. ओके, सो यहाँ पे एक आई थिंक क्वेश्चन था. द टर्म सिक्स मास एक्सटेंशन इज ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज. तो आई थिंक ये पता ही हम लोगों को कि आई थिंक लार्ज स्केल कल्टिवेशन में ये नहीं है. डी वाला इसका होगा, मैन मेड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ इको सिस्टम, पॉल्यूशन, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज. तो ये था इसका आंसर. ठीक है, एंड ठीक है, और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है. बाकी इसने ना वो एरा वाला चार्ट दिया हुआ जो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ऑर्डोवेशियन, डेवोनियन. आई थिंक एक बार इस टाइम स्केल के ऊपर भी पूछा हुआ है, जियोलॉजिकल एरा टाइम स्केल के ऊपर क्वेश्चन. तो इसको देख लेना एक बार, यहाँ पे आई डोंट थिंक ये आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिटेट्स which enable a plant or an animal to live on its surrounding is called evolution. सही है? ये statement सही है क्या? लग रही है. ठीक लग रही है. Next देखते हैं. The surrounding where an organism live is called habitat. ये भी ठीक ही लग रहा है. Small changes that take place in the body of a single organism over a short period
short periods to overcome small problems due to change in surrounding is called acclimatization. ठीक है, छोटे से पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा हमारी बॉडी जो है वो चेंज लाती है टू ओवरकम एनी चेंज इन द सराउंडिंग, इट्स कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन. ये भी ठीक लग रहा है क्या? यस, दैट्स आल्सो ट्रू एंड इट्स आल्सो कॉल्ड जेनेटिक प्लास्टिसिटी. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, ग्रेजुअल चेंज इन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अडॉप्शन, अडैप्टेशन. तो आई थिंक ये भी सही लग रहा है, तो इसका आंसर फिर तो उस सेंस में आई थिंक ऑल ही हो जाना चाहिए. नहीं, आई थिंक नहीं, ग्रेजुअल चेंज को फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इंटरचेंज है. इवोल्यूशन इज कि आप ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं और अडैप्टेशन कि आप उसी वक्त सराउंडिंग्स अकॉर्डिंगली खुद को ढाल रहे हो. सो 2-3 होगा. अरे हाँ, सॉरी, ये अडैप्टेशन वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है ये इंटरचेंज कर दिया. ठीक है, ग्रेजुअल चेंज इज बेसिकली इवोल्यूशन, क्योंकि हमने देखा ना कि होमो इरेक्टस के होमो सेपियंस कैसे बने, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर धीरे धीरे ह्यूमन में इवोल्यूशन होता गया. तो वो एक लॉन्ग पीरियड में जो चीज हो रही है दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन, एंड अडॉप्टेशन जो है वो एक शॉर्ट पीरियड में हो रहा है. ठीक है, तो ये इंटरचेंज था. सो आंसर इसका 2 और 3 ओनली होना था. ठीक है, सो इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए, तो एग्जाम्पल भी देख लेता है नहीं, क्योंकि ये सिचुएशन स्पेसिफिक भी चीज पूछ लेता है कभी कभी. So the presence of specific feature or certain habits which enable a plant or animal to live in its surrounding is called adaptation, not evolution. So iska ek example hai hibernation. Theek hai, ke jaise humne dekhte hai polar bears ke andar dekhne ko milta hai hibernation hota hai. Theek hai, ke wo cold se bachne ke liye they go into sleep. Theek hai, kyunki jaise baat kiya tha ki hum log hamari body heat kaise generate karte hai, wo shivering karti hai. Theek hai, lekin ये जो पोलर बेयर्स होते हैं उनके पास इतना फूड नहीं होता कि वो इतना जो है हीट को जनरेट रख पाए, तो इसलिए वो सो के अपना वो जो हीट है उसको बचाते हैं. ठीक है, ऐसा ही एक सिमिलर प्रोसेस होता है हाइबरनेशन के सिमिलर ही, इट्स कॉल्ड एस्टिवेशन. तो कोई बता सकता है एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन जो समय में होता है. हाँ, करेक्ट. और इसमें होता क्या है? लोकोमोटिव एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है इसमें. करेक्ट, क्योंकि हमारा जो हीट मतलब समर्स के अंदर हीट बहुत ज्यादा हो जाता है. ठीक है, सो कई जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हमने बात किया स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, सो वो बहुत ज्यादा हीट हो जाएंगे और फिर वो मर जाएंगे. तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सो जाते हैं, जिससे उनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाए. ठीक है, तो उनका जो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा, तो वो जो बाकी का हाई टेम्परेचर है उसको इजीली बेयर कर पाएंगे. ठीक है, तो ये एस्टिवेशन और हाइबरनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट डिफरेंस है इनके अंदर. तो ये था कि हाइबरनेशन कोल्ड से रिलेटेड है, एस्टिवेशन समर से रिलेटेड है. एंड यहाँ पे हम देखते हैं पोलर बेयर टाइप के जानवर करते हुए मिलते हैं, बट एस्टिवेशन जो है ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स यूजली कोल्ड ब्लडेड या स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म करने को. नेक्स्ट, एक्लाइमेटाइजेशन हमने पढ़ाया था कि सोल्जर्स अंडरगो रिग्रेस ट्रेनिंग, जैसा आई थिंक अभी बताया था किसने कि सियाचिन वगैरह में जाते हैं तो पहले उन्हें थोड़े दिन उधर रखा जाता है, उन्हें डायरेक्टली ऑपरेशंस में नहीं डाला जाता, पहले उन्हें कुछ दिन रखा जाता है, प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह का सपोर्ट रखा जाता है. ठीक है, ताकि वो यूज हो चुके हैं उस सराउंडिंग के. एंड लास्टली ग्रेजुअल चेंज हमने देखा, जिराफ वाला एग्जाम्पल इसमें हो गया. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन है इसके अंदर, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा हुआ है. तो इसको ऐसे ही फटाफट कर लेते हैं कि मैं ये लेफ्ट साइड वाला बोल देता हूँ, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग राइट साइड वाला जो वेजिटेशन है वो बताना. तो स्लोपिंग ब्रांचेस एंड नीडल लाइक लीव्स, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? टैगवंजी. स्लोपिंग ब्रांचेस, राइट. तो ये टैगा तो टुंड्रा में हो सकता है, टुंड्रा या टैगा. I think, पहले तो टैगा आता ना, देन टुंड्रा आता है. ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं, डीप रूट्स की बात कर लेते हैं. सो डीप रूट्स हमको कहाँ देखने को मिलेगा? ये डिजर्ट का होगा, बिकॉज़ कंडीशंस. हाँ, लेकिन वो चीज सही है कि डीप रूट वहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन अगर नेक्स्ट हम देखें तो
फैक्सी स्टेम, थिक लीव्स और नो लीव्स, तो ये भी डेजर्ट का होता है, कैक्टस के ये ऊपर वैक्स। डेजर्ट का होना चाहिए। हाँ हाँ ये डेजर्ट का होना चाहिए राइट, तो थोड़ा ये सा वो भी होता प्रॉब्ली हम डीप रूट्स को टुंड्रा के साथ मैच कर सकते हैं, एंड कैनोपी को हम ट्रॉपिकल वेजिटेशन के साथ मैच कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक शायद बहुत डेंस कैनोपी देखने को मिलती है है। ये ट्रॉपिकल वेजिटेशन। रेन फॉरेस्ट में होती है कैनोपी। राइट, तो करना क्या था, कैरेक्टर्स के पीछे कोड ऑल। हाँ तो इसमें क्या लिखा है, स्लोपिंग ब्रांचेस एंड नीडल लाइक, ये इज इट मैचेस विद टेगा, क्योंकि यहाँ पे वो एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो को प्रिवेंट करते हैं, एंड नीड लीव्स। ठीक है, डीप रूट्स इसने डेजर्ट वेजिटेशन का दिया है, ठीक है, तो आई थिंक वो वाला लॉजिक सही था, ये पानी की कमी होती है इसलिए डीप रूट्स होते हैं। नेक्स्ट, नहीं, ये मैच तो फॉलोइंग नहीं है, ये किसके सामने कौन सा सही लिखा है मेरे ख्याल से अच्छा उस हिसाब से अच्छा शायद चूज इन करेक्ट पेयर। हाँ तो इसीलिए इसमें दो हाँ कैरेक्टरिस्टिक हो इनकरेक्ट गया डिजर्ट वाला। करेक्ट करेक्ट, ये इनकरेक्ट वाला लिखा हुआ था, तो अपन लोगों के 1 2 3 इसमें आंसर आ जाना चाहिए था, क्योंकि कैनोपी ट्रॉपिकल वाला अपन ने सेम मैच कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट, वैक्सी स्टेम, थिक लीव्स और नो लीव्स, तो डेजर्ट वेजिटेशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आई थिंक दोनों लॉजिक हम लोगों ने सही लगाए थे, और कैनोपी वाला जो पॉइंट हमने देख लिया, रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस रेन फॉरेस्ट वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स। सो फंक्शन इंक्लूड्स इकोलॉजिकल सक्सेशन, होमियोस्टेसिस, एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक तो इकोलॉजिकल ये सक्सेशन कितने कोई तक कितने बजे तक चलेगा सेशन? प्रॉब्ली 3 o'clock एट मैक्स। ओके ओके हाँ क्योंकि कोशिश करते हैं अपन ने जो टारगेट सेट किया था उससे थोड़ा क्लोज पहुंचे, आई थिंक फोर्थ तो नहीं हो पाएगा, फिर इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। ठीक, सो इकोलॉजिकल सक्सेशन को एक्सप्लेन करेगा, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो बेसिकली इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, कि कोई एक कम्युनिटी है इधर प्लांट और एनिमल स्पीशीज, वो किसी एरिया में चेंज हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है बाय एनी अदर स्पीशीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट्स नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो पहले कोई एग्जिस्टिंग स्पीशीज थी उसको रिप्लेस करके कोई नई स्पीशीज आ गई, दिस इज बेसिकली इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इसमें सक्सेशन इज अ बोलिए। इसमें पायोनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी में चेंज होता है ना। राइट, नॉट ऑलवेज पायनियर, ऐसा हो सकता है कोई क्लाइमेक्स स्पीशीज हो उसके ऊपर एक और नई क्लाइमेक्स स्पीशीज आ जाए। ठीक है, बट हाँ एक जनरल ट्रेंड ये भी रहता है कि पायनियर स्पीशीज होती है एंड उसके ऊपर कोई नई स्पीशीज आ जाती है जिसको अल्टीमेटली क्लाइमेक्स स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द ट्रेंड हो सकता है उसमें, बट नॉट ऑलवेज कि यही चीज़ हो, क्योंकि इकोलॉजिकल सक्सेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है तो वो चलता ही रहता है। तो सक्सेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन ऑन अ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो सक्सेशन ऑकर्स ड्यू टू लार्ज स्केल चेंजेस और डिस्ट्रक्शन, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्पीशीज अंटिल अ स्टेबल मैच्योर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप्स। ठीक है, तो इसमें जैसे पाइनियर स्पीशीज वाला स्पीशीज का एक या पाइनियर कम्युनिटी का एक आइडिया क्या होता है, कि पहली बार अगर किसी एरिया को किसी ने कॉलोनाइज किया तो उसको हम बोलते हैं पाइनियर कम्युनिटी। ठीक है, जैसा कि लेट्स से कोई डेजर्ट कोई फॉरेस्ट था, या लेट्स से अभी जो रिसेंटली वॉल्केनिक इरप्शन हुआ टोंगा के अंदर। ठीक है, तो टोंगा में लेट्स से पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट था, लेकिन लावा इतना स्प्रेड हुआ कि पूरा जो पूरा का जो पूरा वेजिटेशन है वहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, सिर्फ लावा प्लेन्स बचे हैं। अब वहाँ पे पहली बार कोई सपोज जो लावा रॉक्स है उनके ऊपर बैक्टीरिया आके जमा होगा या फिर कोई लाइकन आके जमा होगा। ठीक है, तो वो पाइनियर स्पीशीज कहलाएगा, क्योंकि उसने सबसे पहले कॉलोनाइज किया है। ठीक है, धीरे धीरे वो लाइकन्स के चलते उधर और बर्ड्स आ जाएंगी, बर्ड्स जो है वो अपने साथ सीड्स लेके आएंगे, वो सीड्स वहाँ पे गिरेंगे, नए नए पौधे डेवलप होंगे। ठीक है, सो हो सकता है कि कोई एक प्लांट कम्युनिटी जो है उसको डोमिनेट कर ले, तो इन दैट सेंस क्लाइमेक्स कम्युनिटी, उस स्पीशीज को हम बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, या वो जो इनिशियल स्पीशीज थी उससे ज़्यादा स्टेबल है, उससे ज़्यादा मेच्योर है एंड उससे ज़्यादा रेजिलियंट है। ठीक है, तो उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलेंगे। और ये जो पूरा जो स्टेज होता है इसको हम बोलते हैं सक्सेशनल स्टेज और सीयर्स। ठीक है, सो ईच ट्रांजिशनल कम्युनिटी दैट इज फॉर्म्ड और रिप्लेस ड्यूरिंग सक्सेशन
इन द स्टेज ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड सीरियल कम्युनिटी, स्टेज इन सक्सेशन और सीरियल कम्युनिटी, तो ये वर्ड भी बताना चाहिए. जिस कम्युनिटी को रिप्लेस किया गया उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जो कम्युनिटी है इट्स कॉल्ड सीरियल कम्युनिटी या सीरियल स्पीशीज. सो नेक्स्ट सक्सेशन इज कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग: इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, द शिफ्ट ऑन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रिजर्वॉयर, इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रेजुअल इंक्रीज इन फूड विथ. ठीक है, जैसे पूछ सकता है कि वॉट आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक विच हैपन्स ड्यूरिंग द सक्सेशन, तो उसमें आई थिंक ये चार जो क्राइटेरिया है आई थिंक उसको कहीं ना कहीं वेरी कर देगा, बोल देगा डिक्रीज प्रोडक्टिविटी हो जाएगी. तो ऐसा कुछ नहीं है, जितने ज़्यादा नए नए स्पीसीज आएंगे उतनी ज़्यादा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होगी, एंड न्यूट्रिएंट्स का शिफ्ट होगा, मतलब जो रिजर्वॉयर में या भी एक डॉर्मेंट फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो बाहर आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट डाइवर्सिटी जो है इम्प्रूव हो जाएगी और जो फूड वेब है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा जब पायनियर स्पीसीज आती है तो केवल वो सिंगल स्पीशीज होती है, फिर धीरे धीरे और स्पीशीज ज्वाइन कर लेते तो एक कॉम्प्लेक्स फूड वेब भी डेवलप हो जाता है. सो सक्सेशन वुड ऑकर फास्टर इन एरिया एग्जिस्टिंग इन द मिडल ऑफ लार्ज कॉन्टिनेंट, दिस इज बिकॉज द सीड ऑफ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिफरेंट सीयर्स वुड रीच मच फास्टर. ठीक है, तो ये चीज़ है. लेट्स से अगर मैं एक एग्जाम्पल एक सिनेरियो हम प्रेजेंट करें कि सक्सेशन फास्टर कहाँ होगा, तो क्या सक्सेशन फास्टर होगा एक रिसेंटली डेवलप्ड फ्लड बेसाल्ट बेसिन या लावा फ्लड प्लेन में, या फिर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के अंदर? ठीक है, एक एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है और एक लावा फ्लड प्लेन है, तो किसमें सक्सेशन फास्टर होना चाहिए, फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड फॉरेस्ट में. करेक्ट, तो सेकंड में फास्टर होगा क्योंकि वहां पे ऑलरेडी थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन है जिससे जो सक्सेशन होगा वो फास्टर होगा. बट यहाँ लावा फ्लड प्लेन में कोई पायनियर स्पीशीज आएगा, उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए और स्पीशीज के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, तो ये जो पहला वाला जो एग्जांपल है इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, और दूसरा वाला जो है इसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन. प्राइमरी मतलब यहाँ पे पायनियर स्पीशीज चालू है और फिर कोई क्लाइमेक्स स्पीशीज आई है, एंड सेकेंड वाले में कोई नॉर्मली स्पीशीज एग्जिस्टेंट थी एंड उसको डोमिनेट करते हुए एक नई स्पीसीज आई है जो कि अब क्लाइमेक्स स्पीसीज है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. तो प्राइमरी स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पे हमारे माइक्रोब्स लाइकेंस मॉसेस वगैरह आएंगे जो कि इनिशियली कॉलोनाइज करेंगे ऐसी एरिया को. ठीक है, तो ये था प्राइमरी सक्सेशन. ओके, ये एक क्वेश्चन है. लाइकन विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक. ठीक है, तो आई थिंक ये बेयर रॉक वाला इस बार क्वेश्चन भी था कि कौन सी बेयर रॉक पे ग्रो हो जाएगा, तो सेंस में पता होना चाहिए. आर एक्चुअली अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ, तो आई थिंक ये बताया भी था, तो फटाफट बता दो क्या है आंसर इसका. एल्गी एंड फंगाई. हाँ, एल्गी एंड फंगाई करेक्ट आंसर है. सो इस सिम्बियोटिक रिलेशन में कोई प्रोड्यूसर है और कोई कुछ और रोल प्ले कर रहा है, तो इसमें कोई बता सकता है व्हाट रोल एल्गी इज प्लेइंग एंड व्हाट रोल फंगी इज प्लेइंग? What is the role played by algae and what is the role played by fungi? ठीक है, तो algae अपने को पता है autotroph होता है, तो ये basically खाना बनाने का काम करता है, and fungi जो है एक autotroph नहीं है, तो ये इसलिए algae के ऊपर dependent है. ठीक है, लेकिन algae fungi पे क्यों dependent है? तो algae जो है sorry जो fungi है वो nutrients को trap करता है. ठीक है, तो जो फंगीज होते हैं उनके मोस्टली एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा कुछ कुछ, तो बेसिकली क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स को उड़ते हुए न्यूट्रिएंट्स को ट्रैप कर लेते हैं उनमें, एंड देन एल्गी को भेज देते हैं और वो उस न्यूट्रिएंट को यूज करके बेसिकली फूड बनाता है. सो दैट्स हाउ द सिम्बियोसिस बिटवीन दीज टू वर्क. ऑलराइट, ठीक है, तो ये पूरा एक एग्जाम्पल दिया कैसे पायनियर स्पीसीज आता है, फिर बीच में इंटरमीडिएट स्पीसीज आता है विच इज फॉलोड बाय अ क्लाइमेक्स स्पीसीज. तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और चलता रहता है. ऑलराइट, और तो आई थिंक इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. किसी को कुछ इम्पोर्टेंट लगे ना तो एक बार बता देना, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक. थोड़ा सा डाउट आ रहा था, ये मतलब ट्री से रिलेटेड नहीं, जैसे वो क्वेश्चन था ऑलवेज बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो उसमें क्या ऐसी डायमेंशन डल सकती है इकोलॉजिकल सक्सेशन जैसी, जो एसे वगैरह में आया था ना इस पर बेस्ट प्रैक्टिसेस टू बेटर प्रैक्टिसेस वाला कुछ, तो जैसे ये बोलते हैं कि एक स्टेबल मैच्योर कम्युनिटी मतलब
की तरफ एंड जाता है, ऐसा कुछ हो सकता है? आई थिंक वो ऐसे बोल सकते हैं कि मोनो कल्चर वाले जो चीज होगी, जैसे पाइनियर स्पीशीज जो है ना, वहाँ पे हम देखते हैं ये बहुत ही एक सिंपल सा फूड चेन है, ठीक है, बट जैसे जैसे वो पाइनियर स्पीशीज से क्लाइमिक स्पीशीज की तरफ हम आते हैं तो फूड चेन जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो उस सेंस में अगर यहाँ पे कोई एक एक पार्ट उसमें खत्म भी हो गया ना तो भी फूड चेन में ज्यादा नुकसान नहीं पड़ेगा, बट पाइनियर स्पीशीज में अगर एक भी ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है ना तो फूड चेन ड्रास्टिकली खत्म हो सकती है। आई थिंक उस सेंस में कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में धीरे धीरे डेवलप होके एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बनता है बिटवीन वेरियस स्पीशीज एंड उसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनता है, तो उस सेंस में कह सकते हैं। बट आई थिंक थोड़ा सा हाँ हाँ ठीक है, लग गया, ओके थैंक यू। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। सो ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। तो सक्सेशन इन विच इनिशियली द ग्रीन प्लांट्स आर मच ग्रेटर इन क्वांटिटी इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन एंड द वन इन विच हेटरोट्रॉप्स आर जनरली ग्रेटर इन क्वांटिटी इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक नाम से ही पता लग रहा है कि ऑटोट्रॉप्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं विच आर यूजली ग्रीन प्लांट, अगर वो ज़्यादा क्वान्टिटी में है सक्सेशन के अंदर तो वो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन कहलाएगा, अदरवाइज हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात किया था सेकेंडरी सक्सेशन का, तो सेकेंडरी सक्सेशन इस केस में कैसे हुआ, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट फायर लगा एंड उसकी वजह से सारी स्पीसीज खत्म हो गई, ठीक है। तो अब जो नई स्पीसीज आई वो यहाँ पे पाइनियर स्पीसीज कहलाएगी, बट अल्टीमेटली एकदम बिल्कुल स्क्रैच से नहीं स्टार्ट करना था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट थी यहाँ पे, ठीक है, जैसे स्मॉल सीडलिंग्स वगैरह रह जाते हैं या फिर न्यूट्रिएंट रिच सॉइल प्रेजेंट थी यहाँ पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो सक्सेशन होगा वो फास्टर होगा, ठीक है। तो ये चीज है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट ऑन अ वेल डेवलप्ड सॉइल, ठीक है, एक मेजर डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ पे जो सक्सेशन होता है वो एक पहले वेल डेवलप्ड सॉइल पे हो रहता है, लेकिन अगर प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल हार्ड रॉक्स को वो पहले सॉइल में बनाते हैं एंड देन सक्सेशन होता है, इसलिए प्राइमरी सक्सेशन टेक्स लॉन्गर टाइम एज कम्पेयर टू सेकेंडरी सक्सेशन। नेक्स्ट इज ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन। तो व्हेन सक्सेशन इज ब्रॉट बाय लिविंग इनहैबिटेंट्स ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ इट्स कॉल्ड ऑटोजेनिक सक्सेशन, व्हाइल चेंज इज ब्रॉट अबाउट बाय आउटसाइड फोर्सेस इट्स कॉल्ड एलोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। ऑटोजेनिक खुद से, एलोजेनिक बाहर से आया है, ठीक है। तो ऑटोजेनिक सक्सेशन में हम कह सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उन्होंने रोल प्ले किया, और एलोजेनिक सक्सेशन में एबायोटिक कंपोनेंट ने कोई उसके अंदर फैक्टर प्ले किया है, ठीक है। तो एलोजेनिक में हम बोल सकते हैं कि लेट्स से कोई एबायोटिक फैक्टर चेंज हो गया, लेट्स से उस एरिया के अंदर फॉरेस्ट फायर हो गया, सो उसकी वजह से जो पूरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बना हुआ था वो ख़त्म हो गया, अब जो नया स्पीशीज आएगा वो ऑटोमेटिकली कुछ नया लेके आएगा, ठीक है। तो वो जो सक्सेशन हुआ वो हुआ किस कारण, कि एबायोटिक कंपोनेंट चेंज हो गए। ऑटोजेनिक में या तो वो स्पीशीज जो है उसने कोई ऐसा इवोल्यूशन कर लिया, ठीक है, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक सक्सेशन आ गया। तो ये था ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इन द ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इन ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फंगाई, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लिमिटेड वाटर लिमिट्स, फायर एंड नन ऑफ द अबव। सो आई थिंक इसका आंसर तो बी वाला होना चाहिए, क्योंकि इसका ये नहीं हो सकता, वाटर लिमिट्स एंड फायर, ग्रासलैंड मतलब डायरेक्ट सनलाइट होते हैं, तो हमने देखा भी है फॉरेस्ट फायर वाला, मतलब फॉरेस्ट फायर नहीं मतलब वहां पे ज्यादा हीट अप वगैरह होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एग्जैक्ट। हां ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्रासेस have one good trick to monopolize a place, in dry season the grass dry up and cause fire,
which destroy other plant species and their seeds. तो ये ऑटोजेनिक सक्सेशन का एक एग्जाम्पल है, तो उस स्पीशीज ने अपना खुद का जो है वो तरीके से इनविटेशन दे दिया नई स्पीसीज के, आप आके यहाँ पे अब बसा लो अपना, तो वो बेसिकली ड्राई होके पूरी स्पीशीज मतलब फॉरेस्ट फायर में हेल्प कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल्सो ग्रासलैंड डेवलप इन टू रीजन विद स्कैंटी रेनफॉल वेयर प्लांट ग्रोथ कैन नॉट बी अचीव। ठीक है, तो वो एक रीजन हो सकता है कि ग्रासलैंड्स में मोस्टली आपको ट्रीज ज्यादा देखने को क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि वाटर लेवल कम होता है और उसकी वजह से जो ट्रीज का जो ग्रोथ है वो मुश्किल होता है। नेक्स्ट, द फॉरेस्ट फॉर्म द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन द मोस्ट इकोसिस्टम इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम ग्रासेस फॉर्म द क्लाइमेक्स कम्युनिटी थैंक्स टू फायर एंड लैक ऑफ वाटर। सो ग्रासलैंड्स आर ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल वंस डिफॉरेस्टेशन इन वाटर स्कार्स एरिया गिव वे टू ग्रासलैंड। ठीक है, तो आई थिंक ये एक रिपोर्ट में भी ये चीज़ बोला गया था कि ग्रासलैंड्स जो है अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो उसके बाद उनको रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो भी ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो भी एक इशू था। ठीक है, तो यूएनईपी की रिपोर्ट थी ना शायद, हाँ व्हाट फॉरेस्ट का स्टेटस था, और एशिया में हाईएस्ट है बट डिक्रीजिंग है अब सब जगह पे। राइट राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। सेशन दैट ऑकर्स इन अ लैंड दैट इज ड्राई एरिया वेयर मॉइस्चर कंटेंट इज लो कॉल्ड जेरा। तो जेरो वाला जो पॉइंट ही है वो ड्राई से रिलेटेड है। ठीक है, जेरोफाइट्स सुनोगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे प्लांट जो कि ड्राई एरिया में ग्रो हो रहे हैं। फाइट्स मीन्स प्लांट, जेरो मीन्स नेस। सक्सेशन दैट टेक प्लेस इन वाटर बॉडी लाइक पॉन्ड्स इज कॉल्ड हाइड्राक। ठीक है, एंड बोथ हाइड्राक एंड जेराक सक्सेशन लीड टू अ मीडियम वाटर कंडीशन कॉल्ड मिजाक, नीदर टू ड्राई नॉट टू हाइड्रिक। सो विद टाइम जेरोफाइटिक हैबिटेट गेट कन्वर्टेड इंटू मेजोफाइटिक प्लांट नीडिंग, और फिर आगे उसका सक्सेशन जो ऐसे होता है कि हाइड्रोफिटिक होता है एंड उसके बाद मेजोफिटिक बन जाता है। नेक्स्ट, सक्सेशन इन वाटर की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ऐसे प्लांट जो कि पानी में ग्रो करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। वो जैसे यहाँ पे देख रहे हो फाइटोप्लांकटन था, धीरे धीरे ग्रोथ हुआ यहाँ पे प्लांट्स का, और वो ग्रोथ होते होते एक सबमर्ज प्लांट्स बन गए एंड धीरे धीरे एक मार्श मेडो बन गया। ठीक है, तो ये पूरा स्टेज दिखा रखा है कैसे फुली फॉरेस्ट डेवलप हो गया फ्रॉम अ पूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये था आई थिंक मैं ऐसे तौर नहीं देखने का। देन होम्योस्टेसिस, तो होम्योस्टेसिस बेसिकली बैलेंस को बोलते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस कैसे मेंटेन होता है इकोसिस्टम में, तो हर इकोसिस्टम में एक एक लॉक मतलब एक चेक्स एंड बैलेंसेस लगे होते हैं, या एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जो रेजिस्ट करता है चेंज को। ठीक है, और वो अपने आप को चेंज कैसे करता है, उसके अंदर कुछ सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म होते हैं, इसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन अ पॉन्ड सिस्टम इफ पॉपुलेशन ऑफ जू प्लैंकटन इंक्रीजेस, तो अगर एक्वेटिक फूड चेन की बात करें तो सबसे पहले फाइटोप्लैंकटन आता है फॉलोड बाय जू प्लैंकटन। ठीक है, सो अगर जू प्लैंकटन की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा प्लैंकटन को खाने लगते हैं। ठीक है, और ज़्यादा फाइटोप्लैंकटन को खाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिर जिस पे फीड कर रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, अगर वो खत्म हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंगली जू प्लैंकटन भी मरने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये एक होम्योस्टेसिस है जो हमारा एनवायरनमेंट जो है या कोई इकोसिस्टम ऐसे मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जैसा अगर लेट्स से किसी इकोसिस्टम के अंदर टाइगर सारे मर गए, ठीक है, सो उसका एक बैलेंस खत्म होता है, तो वो उस बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए एनवायरनमेंट क्या करता है, जो हर्बीवोर्स से उनकी पॉपुलेशन बढ़ा देता है। ठीक है, धीरे धीरे वो बढ़ते हैं तो उनका जो फूड है दैट इज ग्रास वो खत्म होने लगता है, तो इन टर्न वो भी मरने लगता है। ठीक है, तो ऐसा करके एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है हर बार एनवायरनमेंट। सो एट सम टाइम द पॉपुलेशन साइज ऑफ जू प्लांकटन इंक्रीजेस, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एट ऑल ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ द फूड चेन। नोट दैट इन होम्योस्टेटिक कंडीशन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इंड्यूस्ड बाय लिमिटिंग रिसोर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये चीज डिस्कस किया था। नेक्स्ट आई थिंक यार सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। एक एक आई थिंक जेनरिक स्टेटमेंट ये चीज है, जैसे हमारी बॉडी में भी होम्योस्टेसिस होता है, जैसा बताया था कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी उस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या करती है, स्वेटिंग करती है। तो उसी सेंस में
some organism can maintain homeostasis by physiological means, which means constant body temperature, constant osmotic condition, etc. All birds and mammals and a very few vertebrates and invertebrate species are indeed capable of such regulation, the thermoregulation and osmoregulation. The success of mammals is largely due to the ability of constant body temperature. ठीक है, तो इंसान का कहीं ना कहीं ये राइज जो हुआ है वो कहीं ना कहीं उसके एक फिजियोलॉजिकल एडवांटेज की वजह से, दैट इज इट कैन रेगुलेट इट्स टेम्परेचर. तो चाहे एंटार्क्टिका हो या फिर सारा डेजर्ट हो, वहाँ पे इंसान सर्वाइव कर रहा है, तो उसका रीजन यही है कि हम लोग होमियोस्टेसिस में बाकी स्पीशीज से बेटर है. ठीक है, तो ये था. नेक्स्ट इज कन्फर्म. So an overwhelming majority of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. Their body temperature changes with ambient temperature. So in aquatic, the osmotic concentration or the body fluid changes with the ambient water osmotic concentration. These animals are simply called conformists. ठीक है, यानी अपने surrounding के according उनका जो अगर features हैं वो change हो गए तो they are called conformers. ठीक है, so ये एक important term है जो पता होना चाहिए. कल कई बार directly ऐसे terms डाल देगा तो idea नहीं लगेगा. ठीक है, so why had these conformers not evolved to become regulators? Thermal regulation is an energetically expensive for many organisms. This is particularly true for animals, small animals like hummingbirds and shrimp. ठीक है, तो ये लोग के लिए इतना छोटा सा बॉडी होता है उसमें इतना ज्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट रेगुलेट देयर ओन टेंपरेचर. तो या तो वो क्या करता है, हाइबरनेशन में चला जाता है या फिर वो एस्टिवेशन में चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इट इज लिविंग इन. ठीक है, तो ये चीज है. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये टर्म लिखा हुआ, तो ये कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट टर्म्स है. तो ये एक रीजन होता है कि दैट इज वाई स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन. तो जो छोटे जानवर होते हैं वो पोलर रीजन में क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो अपना एनर्जी रेगुलेट कर पाए या फिर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर पाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो उनके अंदर नहीं होती. ठीक है, दैट्स वाई दीज स्मॉल ऑर्गेनिज्म आर नॉट फाउंड ओवर दीज रीजन. ठीक है, करेक्ट है. एंड एक रीजन ये भी रहता है कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका रिलेटिवली लार्ज एरिया रहता है कंपेयर टू देयर वॉल्यूम, उसकी वजह से जो हीट लॉस जो होता है वो वेरी फास्ट होता है. तो ये एक रीजन है, इसलिए जो पोलर एरियाज हैं वहाँ पे स्मॉल एनिमल्स नहीं मिलते या बर्ड्स नहीं मिलते. नेक्स्ट, माइग्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है कि अगर स्ट्रेस मिलता है कहीं पे तो वो जो स्पीसीज है माइग्रेट कर जाते हैं टू मोर फेवरेबल सराउंडिंग. तो जैसे विंटर माइग्रेशन होता है इंडिया के अंदर अलग अलग सेंचुरीज में, तो इसी का एग्जाम्पल है कि जहाँ से वो बर्ड्स माइग्रेट करती है वहाँ पे प्रॉब्ली ज़्यादा विंटर हो जाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है, इसलिए वो माइग्रेट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज सस्पेंड. तो सस्पेंड में वही हाइबरनेशन एस्टिवेशन वाला पॉइंट है, नथिंग मोर. ठीक है यार, आई थिंक 3 बज गया है एंड ये वाला आज का हमारा जो टारगेट था ये वाला कम्प्लीट नहीं कर पाए, तो कल कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके हमारा जो स्केड्यूल जो चल रहा है उसके ऊपर हम लोग इसको कवर कर लें. ठीक है, आप लोग किस टाइम स्टार्ट करते हो एनवायरनमेंट का ये सेशन? ये 1 PM है, तो स्टडी यूपीएससी चैनल जो है ना उसके ऊपर पूरा प्लान दिया हुआ है, ये कंटेंट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा एंड क्या हमारा जो स्केड्यूल है वो भी उसके ऊपर मिल जाएगा. तो बेसिकली थोड़ा क्विज मोड में करने की कोशिश करेंगे इसको, that all can come after revising and then can ask questions. अच्छा, एक सजेशन था जो इसका टाइम है ना वन का, वो शेड्यूल में थोड़ा सा गड़बड़ सी हो रही है, तो 2 बजे से हो सकता है 2 PM रख सकते हैं क्या, जो मतलब पहले भी 2 PM ही था तो कल जो चेंज किया था परसों 2 PM. ठीक है, ऐसा करते हैं 2 से 4 कर सकते हैं ना. हाँ, एक पोल डाल देना है ताकि देख लेंगे कि जो ज्यादा बेटर फेवरेबल टाइम होगा, क्योंकि फिर वही है डिबेट होता रहेगा बार बार. बाकी रिकॉर्ड कर देंगे एंड कोशिश करेंगे ना इसको यूट्यूब पे डाल देंगे, सो किसी ने नहीं भी देखा है तो वो थोड़ा इजीली एक्सेस कर पाएगा इसको. तो चैनल के बायो के अंदर ही आपको वो यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा. सो आज का ये जो लेक्चर है जो हमने पढ़ा है,
वो डल जाएगा, और उसका लिंक भी थोड़ी देर में ग्रुप पे मिल जाएगा, तो कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। बट हाँ, कोशिश करते हैं कि सब लोग आएं और सब लोग कंट्रीब्यूट करें क्वेश्चन आंसर्स में, या फिर कोई आइडिया उनके पास हो, या फिर कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ हो, ठीक है। सो ताकि सबका एक तरीके से कलेक्टिव एडवांटेज मिले सबको, है ना। सो एक बार टाइम का विल कंफर्म कि क्या टाइम रहेगा, अभी थोड़ी देर में एक पोल डाल देंगे, एंड 7 बजे तक देख लेंगे पोल में क्या रहता है। उसके अकॉर्डिंग विल इन्फॉर्म यू कि क्या टाइमिंग रहेगा, बट प्रॉब्ली एक या दो ही से ठीक टाइम रहेगा, तो वो दो ऑप्शन ही रहेंगे, या तो 1 बजे होगा या 2 बजे होगा, ठीक है। तो जैसा भी हो आप एक बार पोल में वो कर देना, एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ दैट पोल उस हिसाब से हम लोग टाइमिंग इसका शेड्यूल कर देंगे, ठीक है। तो एक बार चैनल के अंदर ही इसका जो शेड्यूल है वो पिन है, तो अगर किसी को पता नहीं है कैसे चल रही है तो जस्ट चेक दैट आउट। एंड ठीक है, आज के लिए आई थिंक ठीक सेशन था, बट कोशिश करते हैं कि बाकी लोग जो 7-8 लोग जो आ रहे हैं वो थोड़ा सा और कंट्रीब्यूट करें, ताकि सिर्फ एक जने पे नहीं आए, ठीक है। ऑलराइट देन, फिर और आज दो चीजें और ऐड कर रहा हूँ मैं। लाइक पोल तो आप डाल ही दोगे, उसके अलावा जो हमें पढ़ेंगे यूनिट्स, राइट? तो इन यूनिट का एक ओवरव्यू आप इंटरनेट से निकाल लो या शंकर आई से निकाल लो। पीएमएफ आईएएस क्योंकि हम लोग कवर कर रहे हैं, बेटर है कि कोई अदर सोर्स से अगर आप लोग कवर कर सकते हो, या आपके पास है, या आपके पास नहीं है तो गूगल यूज है इंटरनेट यूज करके थोड़ा सा भी की टर्म्स के बारे में पता कर लेना। बेस्ट है कि अगर PYQ हो आपके पास, अगर कंपाइलेशन नहीं है तो मैसेज कर देना संजय को या मुझे, या फिर ग्रुप पे ही डाल देना कि एक PYQ का कुछ चाहिए। सो विल बी प्रोवाइडिंग अ डॉक्यूमेंट जिसमें PYQ है, तो आप उस PYQ के थ्रू भी एक बार स्किम कर लेना कि इफ यू आर फाइंडिंग एनी टॉपिक रिलेटेड टू इट, राइट? सो थोड़ा सा क्या है कि प्रिपेयर आएंगे तो संजय थोड़ा जल्दी मटेरियल के थ्रू स्किम कर पाएंगे, राइट? एंड या इसके अलावा ये जो लिंक है हमारी लिंक नहीं है, तो इस पे पे किसी मत करना, बाकी तो ठीक है। ठीक है, तो मैं ये ना दिशा वाला जो डॉक्यूमेंट, ऑल्दो वैसे इसमें PMFIS में कवर कर रखे हैं, बट कई बार थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक हो जाता है, तो क्वेश्चंस जो आए रहते हैं वो नहीं मिल पाते। तो मैं ये दिशा का कंपाइलेशन है, एनवायरनमेंट मतलब ओवरऑल सब चीज़ का कंपाइलेशन है, तो इसको ज़रूर देख लेना एक बार वंस यू आर रीडिंग ऑल दोस चैप्टर। तो इसको कवर करते हैं, एंड जो भी मटेरियल अभी और पोस्ट कर देंगे इसके अंदर के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, आज का यही वाइंड अप कर रहे हैं ना। किसी का कोई भी सजेशन है इसके रिगार्डिंग तो वो बोल सकता है अभी, अदरवाइज मे को या फिर रेमंड को या और किसी एडमिन को एक इन पोस्ट, अगर उसका कोई डाउट है तो। ठीक है, आप तो ना वो वाला बता दो टेलीग्राम पे ग्रुप कैसे ज्वाइन करते हैं। ओके तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ।